बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दोनों मौजूआत सुबह और शाम के उनका उन्वान है अखलाकियात, एथिक्स एंड मोरालिटी। अल्लाह ताला के पैगाम में इंसानों से जिन चीज़ों का तकाजा किया गया है, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उनमें ईमानियात के बाद सबसे बड़ा तकाजा, सबसे अहम तकाजा अखलाकियात का है। और मैं अभी ये बयान करूँगा कि इन दोनों के दरमियान एक ऐसा गहरा ताल्लुक है कि दोनों लाजिम व मलजूम हैं। एक के बगैर दूसरा नाकाबिल तसव्वुर है। दीन अल्लाह के उस पैगाम को कहते हैं कि जो अल्लाह ताला ने इंसानों तक पहुंचाया अपने पैगंबरों के ज़रिए से। सो पैगंबर जो पैगाम लेकर आते हैं इंसानों के पास, उसको अल्लाह का दीन कहते हैं। अल्लाह ने इस अपने पैगाम का नाम हमेशा से इस्लाम रखा है। ज़बान मुख्तलिफ होगी तो ज़ाहिर है उसके अल्फाज भी मुख्तलिफ होंगे, मगर उसका मतलब ये है कि हम अल्लाह के इस पैगाम के आगे झुक जाएं, सरेंडर कर दें। तो ये जो दीन है, ये असल में दो चीज़ों का मजमूआ है। एक है अल किताब और एक है अल हिकमा। ये बात कुरान मजीद ने ख़ुद बयान की है बार बार कि पैगंबर क्या करते हैं, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, वो तालीम देते हैं उनको अल किताब की और अल हिकमा की। और क्यों देते हैं, वयुज़क्की, ताकि वो उनका तज़किया करें, यानी उनको अखलाकी तौर पर और रूहानी तौर पर पाकीज़ा बनाएं और बुलंद करें, जिसके नतीजे में वो जन्नत के मुस्तहिक बने। ये मैंने जो चंद जुमले बोले हैं, ये आप यूँ समझिए कि पूरे दीन की समरी भी है और इस दुनिया का वो वाहिद सलूशन और एक्सप्लेनेशन है कि जो अगर समझ में आ जाए तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी दुनिया का मुहिमा, और समझ में नहीं आएगी तो ये पज़ल कभी हल नहीं हो सकता। खुदा ताला ने इस दुनिया में हमें भेजा, अपने पैगंबरों के ज़रिए से ये वाज़े किया कि हमें अल किताब और अल हिकमा को इख्तियार करके अपना तज़किया करना है, अपने आप को पाक करना है, अपने अखलाक और अपने ईमान को बुलंद करना है। और ये जब हम करेंगे तो हमें अल्लाह ताला अगली ज़िंदगी में उस कामयाब और अंजाम का मुस्तहिक ठहराएंगे जिसको उसको जन्नत कहता है। इसमें अल किताब और अल हिकमा के जो दीन के कंटेंट्स हैं, इसमें ज़्यादा अहम और पहले तरतीब में वो अल हिकमा है। अल हिकमा किसको कहते हैं, कुरान से मालूम होता है कि अल हिकमा अखलाकियात को और ईमानियात को कहते हैं, यानी इन दोनों का मजमूआ है। जाहिर है ये मैं पिछले लेक्चर्स में बात वाज़े कर चुका हूँ कि आपको दीन को समझना है, आपको कुरान को समझना है, तो आपके जहन सोच पर मायल होगा, समझने पर मायल हुआ। इसलिए कि अल्लाह ने दीन को ऐसे डिज़ाइन किया है और हमें भी उसने ऐसे बनाया है कि हम सोच समझ रखते हैं। तो हमारे सामने जब कोई
तीन ही बात पेश की जाती है, तो हमें उसको समझना है। समझ में नहीं आएगी तो हम क्वेश्चन करेंगे और यह सिलसिला जारी रहेगा। इसलिए मैंने पहले ये बात गुजारिश की थी कि दीन को बगैर समझे आंखें बंद करके मानना और उसको इख्तियार करना, ये एक अजनबी सी बात है कुरान मजीद के नुक्ता नज़र से। बल्कि सच्ची बात यह है कि कुरान ने इसको कंडेम किया है, लेकिन बदकिस्मती से यही अप्रोच दीनी अप्रोच बन गई है, जिसकी वजह से वो इंतशार हमारे सामने है कि जो दीन के नाम पर हो रहा है। और यही वजह है कि दीन और दीनदारी और दीनदार लोग पीछे हैं, और जो दीन से दूर हैं, नावाकिफ हैं, वो आगे हैं। इसलिए कि दीन को सही तरह से हमने समझने की कोशिश ही नहीं की, और उसमें जो पहली शर्त है वो ये है कि हम सवाल करें, हम क्लियर हों। यानी उस क्लियर मैसेज को समझने के लिए हमें क्लियर होना चाहिए, इसलिए कि हमें समझ में नहीं आ रहा। सो ये सब मैंने तमहीद इसलिए बांधी कि ये सवाल पैदा होता है कि ये अल-हिक्मा में ईमानियात, अखलाकियात, आप कहीं मौलवी साहब आप बोले चले जा रहे हैं, मतलब क्या है इसका? अच्छा, ये होता है बहुत कि वो मुकर्रर बोले चले जाते हैं, बंदा कहता है ठीक है बेशक, सुभानअल्लाह, बहुत आलिम आदमी, पढ़े लिखे हैं, ठीक ही कह रहे होंगे। नहीं, आप कहें सर प्लीज़ होल्ड ऑन, मैं इससे पहले कि आप आगे जाएँ, ये बात नहीं समझ में आ रही कि हाउ इज़ इट कि ये देर आर टू इन वन, अल-हिक्मा में दो अलग अलग उन्माद कैसे? जी भाई, मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तरबियत भी कुरान ने दी है। कुरान आपको उभारता है कि आप सवाल पैदा करें। यानी कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इसका एहतमाम किया है कि अपने बंदों को उसने अपनी शरीयत के बाज़ अहकाम दिए, बट वो दिए, अल्लाह की हर बात क्लियर होती है, लेकिन शुरू में इन ब्रीफ दिए, इख्तसार के साथ छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, आप खुद गौर करें। मैंने आपको, यानी अल्लाह ताला ने आपको अकल दी है, आप इस्तेमाल करें। नहीं समझ में आ रहा, सवाल करें। इस प्रोसेस से आप बात समझेंगे और आप बात को एब्जॉर्ब करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, और वो आपकी शख्सियत सोच का हिस्सा बनेगी, वरना आपको बात ही समझ में नहीं आएगी। और आप फिर मानेंगे उसको कैसे, जज्बात से। और जब आप जज्बात से दीन को मानेंगे तो आप एक खौफनाक किस्म की मखलूक बनेंगे। अल्लाह माफ़ करे, जो ये भी हो सकता है कि बंदों को आग लगा दे दीन के नाम पर, यू नो। ये भयानक नतीजा क्यों निकलता है कि हम दीन को समझने का जो सही प्रोसेस है उसको इख्तियार नहीं करते। अगर सही प्रोसेस इख्तियार करें तो मैं आपको सच कहता हूँ कि कोई शख्स आपके दीन को नहायत घटिया तरीके से बुरा भला भी कहे तो आप मुश्तैल नहीं होंगे। आई मीन वेट अ मिनट यार, लेट्स टॉक अबाउट इट। आपको क्या मसला है, व्हाट इज़ योर क्वेश्चन, क्यों आप इस तरह से बात कर रहे हैं, यू नो। लेकिन जब आपके पास कोई, आपने खुद कोई प्रोसेस इस तरह का इख्तियार नहीं किया, तो फिर यही होगा कि जो बात आपकी अंडरस्टैंडिंग से ज़रा सी मुख्तलिफ होगी, आप चीखेंगे चिल्लाएंगे और वो भी इकदाम करेंगे। सो ईमान और अखलाक ये अल-हिक्मा के एक उनवान के तहत क्यों हैं, इसका जवाब ये है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ गहरा ताल्लुक रखते हैं। मसलन ये कि अखलाकियात जो हैं, मैं मान लेता हूँ थोड़ा थोड़ी देर के लिए कि ये तो समझ में आता है, ईमान समझ में नहीं आता। मैं आज की दुनिया के बहुत से आप कहिए पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ कि अखलाक तो समझ में आता है, ईमान समझ में नहीं आता। ओके, तो पहले अखलाक ले लेते हैं कि भाई सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, लोगों को तंग नहीं करना, लोगों के कुछ हकूक़ हैं वगैरह वगैरह। ये आए कहाँ से, मतलब आप मुझे क्यों कह रहे हैं कि मैं ह्यूमन राइट्स को फॉलो करूं, बाय? तो इसकी वजह यह कि ये सबको मालूम है कि ये राइट है, ये हक है। कैसे मालूम है? इसलिए कि सबको एक खुदा अल्लाह ने बनाया है, डिज़ाइन किया है। तो अल्लाह पर ईमान अखलाकियात के साथ लाजिम है, वरना अखलाकियात जस्टिफाई नहीं हो सकती। कैसे भाई? आपके प्रोपेगेंडे की वजह से, आपकी ताकत की वजह से, आप सुपर पावर हैं इस वजह से हम माने?
नहीं, इसलिए माने कि हम सब जानते हैं, वी ऑल हैव दिस कॉमन अंडरस्टैंडिंग, हम शेयर करते हैं। तो ये है ईमान बिल्ला, अल्लाह पर ईमान। अगला सवाल, क्योंकि अखलाकियात एक रियलिटी है, मगर ये रियलिटी परेशान कुन है, एक ही कैसे ये सब मान रहे हैं, ये इतनी परेशानी नहीं है जो अगली परेशानी है, इसकी वजह क्या है? मतलब उस बनाने वाले ने हमको अखलाकियात दी है तो मतलब क्यों दी है भाई? एक तरफ अखलाक, ऑनेस्टली मेरे साथ तो ये रोज़ होता है, अखलाक है उसको फॉलो करने को आदमी का ज़मीर कहता है, दूसरी तरफ दुनिया है, बड़ी टेम्पटिंग है, उसमें बहुत सारे काम आदमी कर सकता है जिसमें बड़ा आदमी को मज़ा आता है, उसकी ख्वाहिशात पूरी होती हैं, यू नो उसकी अनानियत को तस्कीन मिलती है, मगर एक अंदर ही खलिश होती है कि यार ये तो गलत काम है, ये मैंने क्या कर दिया है, यू नो एक स्ट्रगल है। मैं अभी किसी को मैसेज कर रहा था जी कि बात यह है कि खारिज की दुनिया कुछ भी नहीं है, ये तो एक कॉन्टेक्स्ट है, सारी जंग तो अंदर लड़ी जा रही है, तो ये क्यों जंग लड़वाई गई है, वजह क्या है? उसका जवाब है आखिरत। दुनिया की ज़िंदगी एक इम्तहान है और इस इम्तहान का नतीजा आखिरत में निकलेगा। सो ये है असल में अलहिकमा, अखलाकियात प्लस ईमानियात। सिर्फ एक मैं चीज़ और ऐड कर रहा हूँ, ये तो अलग से एक गुफ्तगू का मौजू है कि अखलाकियात के बग़ैर ईमान है ही नहीं, मैं गुजारिश कर रहा हूँ है ही नहीं। सिर्फ समझाने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही बात जो मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ इसी को एम्फसाइज किया, ज़ाहिर है आपने क्या शानदार अंदाज आपने इख्तियार किया, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन कौन? जिसके शर से उसका हमसाया महफूज नहीं, समझे आप, वो मोमिन नहीं। तो आप ये देखिए ये लाजिम है। अच्छा एक आखिरी बात इस ज़मन में ये कि चुनाचे ईमान कौन लाएगा? अच्छा मैं ये उस ईमान की बात नहीं कर रहा कि जो मुसलमान ख़ानदान में पैदा होने से इंसान को मिलता है, हकीकी ईमान, उसके बारे में तो हमें गलतफहमी है कि यू नो हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो ये हिंदू के साथ क्या ज़्यादती होगी, कोई ज़्यादती नहीं है, ये तो आपकी गलतफहमी है कि आपको बहुत ज़बरदस्त प्रिविलेज मिली है। सो हकीकी ईमान कुरान इस पर बिल्कुल वाज़े है कि मिलता ही आपको उस वक्त है जब आप अखलाक में ठीक होते हैं। ये बहुत होती है ना, ये बहस होती है जी वो कौम लूत पर अजाब आ गया और वो बहुत गंदे लोग थे और इस वजह से अजाब आया कि वो गंदे काम करते थे, और यार अब तो और बहुत गंदे काम करते हैं लोग तो अब क्यों नहीं अजाब आता, लोग कन्फ्यूज बिल्कुल, इसलिए कुरान को समझा ही नहीं, इसलिए कि बात मशहूर है मुसलमानों में कि कौम लूत पर इसलिए अजाब आया कि वो गंदे काम करते थे, नहीं ये बात अधूरी है, उन पर अजाब इसलिए आया कि वो गंदे काम करते थे जिसके नतीजे में जो मैं कल पर या परसों को एक तकरीर कर चुका हूँ, उस गंदगी की वजह से उनका दिल मुतासर हो चुका था, टेढ़ा हो चुका था, सख्त हो चुका था, उस पर मोहर लग गई थी और वो पैगंबर पर ईमान नहीं लाए, उन पर अजाब आया है पैगंबर के इनकार की वजह से, और पैगंबर का इनकार कौन करता है? जो बदअखलाक होता है। ये एक इक्वेशन है। इसी में एक आखिरी बात मुझे करनी थी, मेरा दिल बहुत परेशान होता है इस बात पर कि यार अखलाक तो वहाँ पाए जाते हैं तो फिर दावत तो वहाँ देनी चाहिए, इधर तो ईमान के ज़ाहरी एतराफ़ के बाद ये सारे फ्रॉड हो रहे हैं जो हम सुबह शाम देख रहे हैं, तो इधर तो कुछ नहीं किया, यू नो इस पैगाम ने कुछ भी नहीं किया, मतलब प्रैक्टिकली कोई असर नहीं हो, क्यों? इसलिए असर हो नहीं सकता, झूठे इंसान को अल्लाह का पैगाम मुतासर नहीं कर सकता, तो यार यहाँ सच्चे लोग पाए जाते हैं फिर वहाँ ये पैगाम होना चाहिए। सो ये एक अलग से एक बहस है। तो जनाब ये है अखलाक, अखलाकियात, इसकी पोजिशन दीन की तालीमात स्कीम ऑफ थिंग्स में पिवटल है, बुनियाद है, इसी पर सब कुछ मबनी है। इसमें फिर ये सवाल पैदा होता है कि जब अखलाकियात वाज़े हैं तो
इसमें इस वजाहत के बावजूद अल्लाह के पैगाम की फिर क्या जरूरत पेश आ गई? भाई जब सबको मालूम है कि झूठ बोलना बुरी बात है, सच बोलना अच्छी बात है, तो फिर वाज़ेह था, ऐसे ही चलने देते नहीं। अल्लाह ताला का जो पैगाम है वो कई काम करता है। मसलन पहला काम ये करता है कि वो इस बात को कंफर्म करता है कि ये अल्लाह की तरफ से। यू नो, आदमी कमज़ोर होता है, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, मैं सभी के साथ शायद ये होता है कि बंदा कहता है यार मैं सच बोल रहा हूँ और झूठा आदमी जो है वो कामयाब है, ये क्या चक्कर है? मतलब मुझे मालूम है कि मैं बरहक हूँ और जो बातिल पर है वो जीत गया, तो आई मीन व्हाट्स गोइंग ऑन। तो इंसानों को इस बात की शदीद ज़रूरत थी कि आसमान से उनका रब उनको ये बताए कीप इट अप, कीप डूइंग, डोंट वरी, तुम सही हो, अंजाम तुम्हारा सही होगा। ये बातिल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, झूठे लोग, चाहे कितने ही वक्ती तौर पर कामयाब हो, तुम सच पर हो, ये ज़रूरत है इंसान की। तो अल्लाह ताला ने इसको कन्फर्म किया, नंबर वन। नंबर टू, क्लैरिफिकेशन, यानी होता है कि आदमी कन्फ्यूज हो जाता है, और मैंने देखा है कि बच्चे लोग भी बड़े कन्फ्यूज रहते हैं। ओ जी मैंने झूठ बोल दिया निकी के लिए, झूठ अच्छे मकसद की तो बोल लेना चाहिए ना इंशाल्लाह कोई। सो लोग बहुत सारे अपने फलसफे बनाए हुए, इसलिए कि जब आपके पास क्लैरिफिकेशन नहीं होगी, आपके पास कन्फर्मेशन नहीं होगी, तो फिर आप अपनी तरफ से इश्तिहाद करेंगे। तो अल्लाह ताला ने क्लैरिफाई किया है। और सच्ची बात है कि अखलाकियात में भी एक हायरार्की है, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ ज़रा निस्बतन लेस इम्पॉर्टेंट है। और ये भी एक बड़ा मसला होता है कि जो एक कमतर इम्पॉर्टेंस की चीज़ है उसको सारा जोर देने के बाद जो एक नहायत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इग्नोर हो जाती। तो ये भी दीन ही आके आपको बताता है कि बैलेंस क्या है। इसीलिए अल्लाह ने अपनी किताब को मीज़ान कहा है, ये आपको उस बैलेंस्ड मकाम पर ला कर खड़ी करती है, या आपको गाइड करती है कि आप खड़े हों कि जो मतलूब है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, जो प्रॉब्ली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसका मैं इशारा कर चुका हूँ, अल्लाह का पैगाम करता है, वो ये है कि वो ये बताता है कि ये अखलाकियात ऐसे नहीं दिया आपको, कि अल्लाह ताला ने सोचा कि चलो ज़रा देखते हैं कैसा लगता है अखलाकियात देख के, ज़रा नहीं, ये एक मकसद के लिए दिया। ये ज़िंदगी इम्तहान है, मौत के बाद अखलाकियात की बुनियाद पर यह फैसला होगा कि कौन ज़िंदगी को सही तरह से गुजार के आया और कौन गलत तरह से गुजार के आया। जो लोग अखलाकियात को इग्नोर करके ज़िंदगी गुजार रहे थे वो पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे, पछताएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, और जो अखलाकियात को मलहूज रख के ज़िंदगी गुजार के आए थे उन्हें वो ज़िंदगी मिलेगी जहाँ ना कोई माजी का गम पछतावा होगा, ना कोई मुस्तकबिल का खौफ अंदेशा होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए आया है अल्लाह का पैगाम। आप सोच सकते हैं ना कि यही वजह है कि ये ख्याल होता है कि ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त गड़बड़ हो रही है, जिनके पास ये पैगाम है वो ऐसा लगता है कि वो उन्होंने समझा ही नहीं, और अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, लगता है कि उसके मुस्तहिक भी नहीं थे, इसलिए कि उन्होंने तो इस पैगाम के बावजूद, इस पैगाम को पढ़ते हुए, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि मैं अपने फ़राइज़ पूरी दयानतदारी के साथ अंजाम दूंगा। जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद शुरू रहता है हंगामा, बदतमीज़ी, यू नो, और पता नहीं क्या होता है। और जो सच्चाई को फॉलो कर रहे हैं वो इससे महरूम है। तो बहरहाल ये अल्लाह ताला बेनियाज है, उसकी अपनी स्कीम है, वो जानता है। सो ये मैंने आपको बात बताई अब तक कि ईमान के बाद सबसे अहम चीज़ अखलाकियात है। फिर मैंने आपको बताया कि पूरे दीन की कंप्लीट पिक्चर क्या है, अल किताब, अल हिकमा, तज़किया, जन्नत। और मैंने ये बताया कि ये अखलाकियात के लिए अल्लाह के पैगाम की ज़रूरत क्या थी। ये बात इंसान अच्छी तरह जानता है कि
बाज़ चीज़ें पसंदीदा हैं और बाज़ चीज़ें काबिल नफ़रत मजम्मत हैं। तभी तो ये होता है ना कि आदमी अल्लाह माफ़ करे बुरा काम करता है और उसका जी चाहता है कि किसी को ना पता लगे और छुपाता है उसको। और ऑनेस्ट टू गॉड ये बड़ी कमज़ोरी है, ये बड़ी कमज़ोरी है कि इंसान को पता है कि अल्लाह देख रहा है, क़यामत के रोज़ भी वो जानता है जानेगा, मगर क्या क़यामत के रोज़ लोगों को मेरी ये बातें पता लग जाएंगी? इससे ज़्यादा आदमी को परेशानी होती है, ये क्या बदतमीजी है, ये खुदा से डरना चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं ये सब कुछ पता लग जाएगा, इसलिए कि बुराई बुराई है भाई, बुराई बिल्कुल क्लियर है कि काबिल नफ़रत चीज़ है। और काबिल ने इसीलिए तो कत्ल करने के बाद अपने भाई की लाश को छुपाने के लिए परेशान हो गया, यानी उसको पछतावा कोई नहीं था लेकिन लाश छुपा रहा था, इसलिए उसको पता था कि घटिया हरकत की है, नहायत ही घिनौनी हरकत की है। यही वजह है कि इंसान अच्छाई करने पर खुश होता है, उसको इत्मीनान होता है कि अल्लाह शुक्र है मैंने फला शख्स की मदद की, मैंने इस मौके पर सच बोला। एक एक दिल में एक इत्मीनान होता है। अगर आप उसके कदरदान हो तो आप ये कहें कि ये इत्मीनान मेरे लिए बहुत है, लेकिन वो फिर हम कमज़ोर हैं, कदर नहीं करते, कहते यार इससे ये इत्मीनान क्या, उसको देखो कामयाब तो वो है जो झूठ बोल रहा है, नहीं ये वक्ती चीज़ें होती हैं। यही अखलाकियात है जिसकी वजह से इंसानों ने शुरू से इस बात को महसूस किया कि हमारा एक निज़ाम होना चाहिए जिसमें जब हम मिल के रहते हैं, सिर्फ ख़ानदान ही तो नहीं होता ना, ख़ानदान मिल के एक सोसाइटी बनाते हैं, एक बड़ा मुआशरा बनता है। तो जब वो बड़ा मुआशरा बनता है तो फिर एक दूसरे के साथ मामलात होते हैं, तो उसमें फिर बदअखलाकियाँ होती हैं। तो कोई सिस्टम होना चाहिए कि जिस सिस्टम के तहत फिर जब अखलाकियात की हदूद को लोग तोड़ें तो उनके बारे में फैसला हो और बद अखलाकी पर पनिश किया जाए और अखलाक को फॉलो करने वालों को एनकरेज किया जाए। सूरह काफ में आखिर में ज़ुल्करनैन बादशाह का एक स्टोरी बयान हुई है, तो उसमें वो एक हक पसंद बादशाह था। ये बताया गया है कि उसने किसी ख़ास मकाम पर जाके कहा कि जो सही काम करेगा हम उसको इनाम देंगे और जो बुरा काम करेगा हम उसको सजा देंगे। अच्छे निज़ाम में यही होगा और इसीलिए लोगों ने अपने ऊपर निज़ाम हुकूमत तो सल्तनत को बर्दाश्त किया, इसकी ज़रूरत कोई नहीं है, लेकिन इंसान जानता है कि अगर ये नहीं होगा तो गैर अखलाकी हरकतें होंगी और क्योस होगा, चुनाचे ज़िंदगी गुजारना फिर मुमकिन नहीं होगा। इसलिए हम अपने ऊपर ये पाबंदी बर्दाश्त कर लेते हैं कि हमारे सरों पर एक निज़ाम सल्तनत और हुकूमत हो जिनके पास ताकत हो और ताकत के ज़ोर से वो फैसले करें और बुनियादी अखलाकियात को इंश्योर करें कि वो सोसाइटी में प्रमोट हो। तो ये इसीलिए कि सब इंसान अखलाकियात के बारे में मुत्तफिक हैं कि ये एक ऐसी हकीकत है कि जिसका इनकार मुमकिन ही नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि ये अगर ऐसे है, और आपको मालूम है कि सारी गुफ्तगू ऐसी होनी चाहिए सवाल जवाब, ये बात की तो फिर ये क्या चक्कर है। अब एक और सवाल पैदा हो जाता है, वो सवाल ये है कि अगर ये जो आप बात बयान फरमा रहे हैं मौलवी साहब, अगर ये सही है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे लोग होते हैं बहुत सीधे साधे और उनको दीन ऐसे बताया जाता है कि वो जितने सीधे साधे होते हैं उससे ज़्यादा सीधे साधे बन जाते हैं। उसकी वजह ये है कि सवाल के जवाब तो आते नहीं हैं, तो बंदा कहते नहीं अगर मतलब नहीं समझ में आया तो गुनाह मिलेगा, अल्लाह मियाँ पकड़ लेगा, तो फिर जो ना फिर वो और बंदा बेवकूफ़ बन जाता है। तो कोई समझदार ज़हीन, कोई बेदीन इंसान कोई सवाल करता है कोई जवाब ही नहीं होता और वो फिर रिकॉर्ड लगाता है और फिर वो वही तनाव होता है, टेंशन होती है, मार कुटाई वगैरह वगैरह, और फिर
स्टेटमेंट्स होती हैं, तो बिल्कुल घुबरा लोग हैं और ये फला हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ होता है। और ये सब क्योस इसलिए होता है कि दीन को समझने का सही तरीका हमने इख्तियार ही नहीं किया। अगर हम इख्तियार करें तो चीज़ें अपनी जगह पर आ जाएं। अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है। तो ये मैं गुजारिश कर रहा था कि सवाल पैदा होता है कि अगर अखलाकियात इतनी यूनिवर्सली यू नो शेयर्ड रियलिटी है तो फिर फ़र्क क्यों है। मतलब आप कहें कि आपकी तकरीर हमने सुन ली, बड़ी मेहरबानी आपकी, अब ज़रा हम जा रहे हैं यूरोप, तो है ये तो कुछ और ही है, उधर कुछ और है, इधर कुछ और है। आप कह रहे अखलाकियात एक ही होती है, तो क्या मतलब है? तो वो दुनिया ही और है, ये दुनिया ही और है। सो व्हाट आर यू ट्राइंग टू टेल अस? तो ये वाकई सवाल है कि फिर ये क्यों है, व्हाई इज़ इट कि दुनिया इतनी मुख्तलिफ है कि आदमी को, अब तो शायद नहीं होता लेकिन एक ज़माने में होता था, आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले जब आप वेस्ट में जाते थे तो कल्चरल शॉक होता था, यही किधर आ गया, एब्सोल्युटली अजीब चीज़ है, तो क्या हो रहा है। वो तो शायद अभी भी आते हैं तो उनको कल्चरल शॉक होता है, क्योंकि जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं पैसे जमाने पैसे इतने होते हैं तो कहते हैं यार ये क्या हो रहा है, हाउ इज़ इट पॉसिबल। सो द क्वेश्चन इज के अगर अखलाकियात इतनी यूनिवर्सल हैं तो फिर ये क्यों फ़र्क है। इसकी बेसिकली दो वजूहात समझ में आती है। एक वजह यह है कि अखलाक का एक पहलू है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वो उसूल जो अखलाकी उसूल है, और दूसरा पहलू है उसकी एप्लीकेशन, उस पर अमल दरामद। तो बहुत ऐसा है दुनिया में कि अखलाकी उसूल मान लिया गया है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन के तरीक़े अपने अपने हालात के तजर्बात के यू नो तारीखी तसलसल के लिहाज से डिफरेंट हो गए। मसलन ये आगे चल के हम इंशाल्लाह देखेंगे कि अखलाकी उसूल है कि दुनिया में अल्लाह ने अपने डिज़ाइन में कुछ को मुआशी तौर पर आगे किया है और कुछ पीछे रह गए। अब अल्लाह ने ये अखलाकी उसूल तय किया है कि जो आगे हैं वो उनकी मदद करें जो पीछे, इसमें कहीं कोई इख्तलाफ नहीं है, सब समझते हैं, सब जानते हैं। लेकिन हमारी तरह के माशरे में, यानी आप कहिए ईस्टर्न सोसाइटी में, इसका तरीक़ा आम तौर पर अब तक, अगरचे के हालात बदल रहे हैं, डायरेक्ट है। तेन कोई लोड है तो पैसे ले, मैं 500 ले जाके दवा ले, क्यों डायरेक्टली कर देते हैं, आप जानते हैं लोगों को। वेस्ट में ये बिल्कुल इनडायरेक्ट, यानी ये उन्होंने इदारे बना लिए हैं, एनजीओज होती हैं, हमारे यहाँ भी हैं, इसी मैं कह रहा हूँ कि सूरत हाल कुछ बदल रही है। फिर ये कि वो टैक्सेशन के ज़रिए से हैवी टैक्सेस देते हैं और हुकूमतें फिर यू नो जो भी नेट है सिक्योरिटी सेफ्टी का वो प्रोवाइड करते हैं, लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। मगर बेसिक इंस्टिंक्ट वही है कि अमीरों को गरीबों की मदद करनी, शक्लें मुख्तलिफ हैं। वही मैंने गुजारिश की ना कि हमारे यहाँ तो ये शक्ल भी पैदा होगी कि लोग भीख मांगते हैं, तो एक बॉन्डी सी शक्ल है ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो मगर बुनियादी अंडरस्टैंडिंग एक ही है। दूसरी वजह माशरों में अखलाकियात के कॉमन होने के बावजूद फ़र्क होने की ये है कि अल्लाह ने अपने दुनिया के निज़ाम में जो तरीक़ा इख्तियार किया है उसमें इंसानों को ऐसे डिज़ाइन किया है कि वो अखलाकियात जानते हैं, और अगर अखलाकियात को फॉलो नहीं करते तो उनको अंदर ही अंदर से रिमाइंडर्स आते हैं, उनको कंडमनेशन होती है, उनकी कॉन्शंस प्रिक करती है। लेकिन एक हद तक आप झूठ बोलेंगे, आपको आपका बातिन बताएगा कि आपने गलत काम किया, आप फिर बोलेंगे, फिर आवाज़ आएगी, ज़रा कम हो जाएगी और वो कम होते होते गायब हो जाएगी।
या इतनी कम हो जाएगी कि जिसको कहते हैं ना कल मादूम, एज इफ नॉन एग्जिस्टेंट। सो ये हो जाता है, इसको कहते हैं डीजेनरेशन। आदमी का दिल, वही बात जो मैं पहले ही बताई, जंगालू हो जाता है, इतना ज़्यादा मुतासर हो जाता है अपनी ख्वाहिशात के और माहौल की वजह से कि वो फिर उस बुराई को बुराई नहीं समझता, हालांकि वो बुराई जानता था कि बुराई है। इसकी मिसाल हमारे यहाँ एक एक मैं दे देता हूँ। मशरक में, हमारे मुल्क में मसलन रिश्वत, यानी दीवारों पे लिखा है कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नुम में जाएंगे। जिस दीवार पे लिखा है उसी के नीचे सीट पे बैठे हुए, लेट मी से अनफॉर्चुनेटली, मौलवी साहब रिश्वत ले रहे हैं। और जब उनसे पूछा जाता है कि मौलवी साहब आप इतनी लंबी दाढ़ी के साथ, तो वो जवाब देते हैं इस दाढ़ी के पीछे एक पेट भी है, तो ये मेरी मजबूरी है। सो अब वो उसको आप कहते हैं कि जी ये तो मैंने असल में स्पीड मनी दी है, या मैंने ये तो तोहफा दिया है, या यू नो जो भी आप लफ्ज़ दें अपने आप को धोखा देने के लिए। लेकिन अब रिश्वत कोई बुराई है? प्रॉब्ली अभी भी है तो सही, लेकिन ऐसा नहीं है। आप में से बहुत से लोग इसको जानते होंगे, हमसे जो बुज़ुर्ग जनरेशन थी उनसे मैंने ये सुना था कि हमारे ज़माने में जब हमारे वालदैन कहीं हम बाहर जा रहे होते थे तो ये बताते थे कि कहते थे कि देखो तुम वो वाला जो घर है ना उसके दूर से गुजरना, उसके करीब ना जाना, वहाँ रिश्वत लेने वाला रहता है। घर बहुत बड़ा है मगर वो राशि है, उसके साइज से भी बचना। अब वही लोग हैं जो इज्जत वाले हैं। तो ये कोई रातों रात नहीं हुआ, ये एक लंबा असर है जिसके बाद डीजनरेशन हो गई है। और हम उस रिश्वत के खिलाफ बेगैरत हो गया, गैरत नहीं रही। ये हो जाता है। वेस्ट में बड़ी खूबियां हैं लेकिन वो शर्मो हया के बारे में बेगैरत हो गए, इसलिए कि आप उन्होंने एक नज़रिया कायम किया आज़ादी का। उन्होंने कहा ये असल ईमान है, उन पर असल चीज़ फ्रीडम है, तुम कौन होते हो मुझ पर कोई कदगन लगाने वाले। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ सारे लोग बेहया हैं, अभी बहुत सारे बाखलाक और हया वाले हैं, लेकिन वो ऐसी चल रही है यू नो हवा, ऐसा फ्लो है कि आहिस्ता आहिस्ता सब लपेट में आ गए हैं। यू नो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, विंबलडन के आप अगर अर्ली 20th सेंचुरी की देखें तस्वीरें, तो ख्वातीन जो खेलने आती थी तो पूरा उनका पूरा जिस्म कवर होता है, और अब मालूम होता है कि पता नहीं कुछ पहना भी है कि नहीं पहना। सो ये यू नो इट टुक अ सेंचुरी। सो ये हो जाता है कि आप अखलाकियात के उसूलों को जानते हैं, मुआशरा जानता है, लेकिन अगर आप उसके बारे में ज़्यादा हसास नहीं हैं और कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार हैं, तो धीरे 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 सोसाइटी उसमें एनवलप हो जाती है, पूरी तरह से घिर जाती है। इसीलिए कहा गया है कि अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करना चाहिए, बदतमीजी से नहीं अच्छे तरीके से समझाना चाहिए। और इसीलिए वो क्या शानदार खूबसूरत मिसाल है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि सोसाइटी जो है ना वो असल में एक शिप की तरह की चीज़ होती है, जिसमें एक ऊपर दर्जे के लोग हैं, ऊपर का फ्लोर है, एक नीचे का फ्लोर है। तो अगर निचले फ्लोर के लोग ये कहें यार ऊपर जाना पड़ता है पानी पीने के लिए, तो क्यों ना नीचे अपने फ्लोर में छेद करके तो समुद्र से ही पानी निकाल लें, और ऊपर वाले कहीं यार ये उनका अपना मसला है, हम इसमें क्या इंटरफेयर करें यार, अपने उनके घर की बात है, उनकी अपनी पॉलिसी है सड़ू की। तो उसके बाद जहाज़ डूबेगा, नीचे वाले भी डूबेंगे, ऊपर वाले भी डूबेंगे। तो बहरहाल ये मैंने बात वाजे करने के लिए कि ये नहीं है कि लोग अखलाकियात से नावाकिफ दुनिया में भेजे गए थे, लेकिन बहरहाल डीजनरेशन हो जाती है।
अच्छा जी, कुरान मजीद ने क्या किया है अखलाकियात के मामले में? कुरान ने अपने बारे में ये बताया कि इसका जो स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन है, बाज़ लोगों को मैंने एक गुफ्तगू में बताया था कि ये समझना चाहिए कि कुरान का स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन है क्या, इसलिए कि अगर आप उसको नहीं समझेंगे तो एक तो ये कि आप उसको फिर गलत समझेंगे, और दूसरा ये भी हो सकता है कि आप बोर हो जाए, आप उसको साइंस की किताब समझ के पढ़ रहे थे तो आपको साइंस तो मिली नहीं, आप उसको पोएट्री समझ की किताब समझ के पढ़ रहे थे, पोएट्री तो है ही नहीं वो, तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो क्या है। ये हिदायत की किताब है, और हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने एक ही बात को, इम्पॉर्टेंट बात को, मुख्तलिफ तरीक़ों से एम्फसाइज किया है। सो कुरान ने अपने बारे में ख़ुद ये बताया है, देखिए कुरान अपने उसूल ख़ुद बयान करता है, गालिबन सूरह हूद के आगाज़ में फरमाया, सूरह नंबर 11, किताबुन उहकमत आयातू सुम्मा फुस्सिलत, ये वो किताब है कि जिसकी आयात मुहकम करके बयान की गई, मुहकम यानी गठी हुई, ब्रीफ मगर कंप्रिहेंसिव, उसमें बहुत बड़ा मजमून लेकिन चंद आयात, सुम्मा फुस्सिलत फिर उसी की तफसील की गई, मिल्लतुन हकीमिन अलीम, उस जात की तरफ से कि जो हिकमत वाला है, इल्म वाला है। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि बात आपको समझ में आ जाती है, कभी मुख्तसर कभी तफसील के साथ, और आप तदब्बुर करते हैं तो आप कहते हैं ये तफसील उसी इख्तसार की वजाहत है, अब देखें कितनी क्लैरिटी होती है अगर आप इस तरह से पढ़ें। यही मैंने इसकी गुजारिश की थी कि आप तदब्बुर के बगैर कुरान पढ़ेंगे तो क्या करेंगे यार, समझेंगे समझेंगे ही नहीं, तो जब आप उसको उस तरह से पढ़ेंगे तो आपको एक तो लुत्फ आएगा, आप इन्वॉल्व होंगे, और दूसरा ये है कि इख्तसार होगा फिर तफसील होगी। सो ये मैंने उसूली बात इसलिए बयान की कि अब मैं आपको ये बताऊं कि अखलाकियात के बारे में भी अल्लाह ताला ने यही किया, एक जगह इसको बताया इख्तसार के साथ और फिर उसी इख्तसार की दूसरी जगह पर तफसील की। इख्तसार वाली बात तो मैं अभी कर दूंगा इंशाल्लाह, और तफसील वाली बात मैं शाम को करूंगा। इस जुमले को आप शाम के लेक्चर का इश्तिहार समझें तो इंशाल्लाह वो आप उसमें मिलेगी। जो इख्तसार वाली बात है वो है सूरह नहल में, सूरह नंबर 16:90, और जो तफसील है वो सूरह बनी इसराइल है, सूरह नंबर 17:22-39। ये जो है ये है 16:90। ये मैं इस तरह क्यों बयान कर रहा हूँ? मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ ताकि आपको मैं याद कराऊँ जी कि मैंने अभी शायद कल ही बताया था कि कुरान की सूरतों की प्रेजेंटेशन में अल्लाह ने जिसका एहतमाम किया है उसमें एक पहलू है जोड़ा जोड़ा, जोड़ा जोड़ा पेयर्स। चुनाचे है ना ये दिलचस्प बात, सूरह 16 और नेक्स्ट सूरह 17 ये दोनों जोड़ा है, जोड़े के एक पार्टनर में उसकी ब्रीफ वर्जन को बयान किया गया और अगले में उसकी तफसील बयान की। ये एक पहलू है जोड़ा होने का। आप देखें क्या ज़बरदस्त किताब है कि उसमें अल्लाह ताला ने ऐसे अहतमाम किए हैं ताकि आप उसमें दिलचस्पी लेके इस तरह की चीज़ों को डिस्कवर करें, और आपका यकीन जाने कि ये जब डिस्कवरी होती है आदमी को खुद होती है, आदमी रियलाइज़ करिए कोई पॉइंट आउट भी कर दे और आप महसूस करते हैं तो सोने की कान मिलने से कम खुशी नहीं होती। कमाल हो गया, हद हो गई यार, तो बहुत मतलब मैंने पहले समझे नहीं था इसको, यू नो इट्स ब्रिलियंट। सो जो इख्तसार वाली बात है वो तो वो बात है कि जो अल्हम्दुलिल्लाह आज जुमा है, एंड आई एम श्योर कि जुमे के खुतबे में वो पढ़ी जाएगी। ये और बात है कि हमें पता ही नहीं लगेगा, इसलिए कि ना पढ़ने में ये दिलचस्पी ली जाती है कि लोग समझें, और जो बैठे होते हैं उनको होता है यार कितने को ये ख़त्म हो जाता है। आज लोग तो मैंने देखे कि आते ही उस वक्त है जब जमात खड़ी होती है, हालांकि जनाब जुमे का खुतबा हफ्तेवार याद दहानी है, उसको लाजमन आपकी ज़बान में बयान होना चाहिए।
इसलिए कि नमाज तो ठीक है, बाज़ चीज़ें उसमें लाजिम है, हम अरबी में पढ़ेंगे। खुतबे का अरबी में होने का मतलब क्या है? ये खैर मेरा इस वक्त का मौजू नहीं है, लेकिन जब दिमाग उस तरफ उलट ही गया तो ये बात भी मैं आपको बता दूँ कि ये सब कॉन्टिनेंट में एक दिलचस्प चीज़ हुई है कि जुम्मा का खुतबा जो है वो अरबी में होता है, उससे पहले एक और खुतबा होता है जिसके बारे में हमेशा मैं कन्फ्यूज रहा हूँ कि इसको कहते क्या है। वो कहता है वो भी खुतबा ही है। वो असल में हमारे उलमा ने ये दो चीज़ें तय की। पहली चीज़ ये तय की कि अब हम आ गए हैं हिंदुस्तान में, यहाँ लोगों की ज़बान अरबी नहीं हो सकती, लेकिन भाई बात यह है कि खुतबा तो दीन है तो उसको तो होना चाहिए अरबी में। तो फिर की करिए, लोगों को दीन भी तो समझा, तो पहले एक और तकरीर डाल दो। तो ये तकरीर से ये जो बिदत है, अरे बिदत ही है ना यार, दीन मतलब दीन तो वो है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए हैं, आप उसमें एडिशन कैसे कर सकते हैं? तो या बता दें लोगों को हमेशा, फिर अगर कोई उर्दू की तकरीर से पहले हमेशा ये बताए कि भाइयों ये दीन का तकाजा नहीं है, तो मैं कहूँगा यार आपने अपना काम कर लिया। लोगों को गलत फहमी होती है। सो उसमें या उस खुतबे में ये आयत पढ़ी जाती है, ये वाली आयत, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाई वल मुनकरी वल बग़्य यईज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। सीरियस बात के बाद छोटा मोटा तो लतीफ़ा तो होना ही चाहिए, वरना आदमी बोर हो जाता है। मैंने जब UCP में मैं था तो हमने जुमा शुरू किया वहाँ, तो मैं चूँकि उस डिपार्टमेंट का हेड था जो जिसमें इस्लामियात पढ़ाई जाती थी, तो ये मेरी प्रोफेशनल मजबूरी थी कि मैं जुमा पढ़ाऊँ। और जुमा पढ़ाने में मेरी ये एक ज़ाती मजबूरी थी कि जब मैं खुतबा पढ़ूँ तो उसको मैं उर्दू में, मैंने अरबी में पढ़ूँ और अरबी के साथ उर्दू में तर्जुमा भी ट्रांसलेट। उसके बाद जुमा है ही नहीं, मैं मेरे लिए तो जुमा नहीं है। तो मैं फिर वो सब कुछ जो पढ़ता, एक जुमला अरबी में, फिर उसका तर्जुमा और यूँ करता, दुरूद शरीफ उसका तर्जुमा वगैरह, यू नो। तो पहली मरतबा में बड़ा एक्साइटेड था और मेरे साथ जो एहतमाम करे थे वो बड़े एक्साइटेड थे। तो जब जुमा ख़त्म हुआ तो मैंने एक डीन साहब से पूछा, मैंने कहा सर वो ठीक रहा? उनका जी ठीक ही रहा, लेकिन सिर्फ ये था कि जब मैंने सलाम फेरा तो साथ वाले ने कहा कि साढ़ा जुमा हो गया। मौलवी साहब ने पता नहीं की था जी, पता नहीं साढ़ा जुमा होया भी कि नहीं होया। तो ये अनफॉर्चुनेट बात है कि जिसकी वजह से हम दीन से दूर हैं, हमें पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है। तो इसमें अल्लाह ताला ने जो बात बयान फरमाई है वो मैं अब आपको बता रहा हूँ। पहली बात, यानी छः बातें हैं इसमें, उनमें तीन बातें हैं पॉजिटिव और तीन हैं नेगेटिव, मिलाकर छः हैं कि जो बुनियादी अखलाकियात हैं। ये मैं भी आपको बता रहा था कि अल्लाह के दीन की क्या ज़रूरत है कि जबकि आपके पास अखलाकियात ऑलरेडी हैं। अल्लाह ताला के दीन को बताना है कि ये अखलाकियात हैं और इनमें ये सिग्निफिकेंस के लिहाज से तरतीब है। तो उसमें जो पहली बात बताई गई वो ये है कि इन अल्लाह यामुरु बिल अदल, अल्लाह इंसाफ अदल का हुक्म देता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे चीज़ अहम इंसाफ फरमाया के यू नो दूसरों को उनका हक दो, उनका राइट दो। वो होता क्या है ये नहीं बताया, आपको पता है जहाँ बताने की ज़रूरत है वो फिर बता भी दिया, यू नो इट ऑलरेडी, सिवाय इसके कि आप डंडी मारने की कोशिश करें। और इसमें जो एम्फसिस है, मैं ये चाहता हूँ कि उन दोनों आयात को हम देख लें। सूरह निसा है सूरह नंबर 4, इसकी आयत है 135, जिसमें अल्लाह ताला किससे खिताब कर रहे हैं, आपसे मुझसे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, कूनू कव्वामीन बिलकिस्त, हो जाओ इंसाफ को कायम करने वाले, इंसाफ पर खड़े रहने वाले, शुहदा लिल्लाह, अल्लाह के लिए गवाही देते हुए, अल्लाह के गवाह बनकर। ये खुदा का तुमसे तकाजा है कि तुम उसके नाम पर उसके नुमाइंदे बनकर सच की को इम्प्लीमेंट करो। अब जाहिर है कि ये हुक्म है लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स हैं, तो अल्लाह ताला फरमाया कि उन प्रॉब्लम्स को फिर ओवरकम करो। वलव अला अनफुसिकुम,
अगरचे के इंसाफ के तकाजों को पूरा करने के नतीजे में तुम्हारे अपने मफादात पर जद पड़े। अलावला अनफुसे, समझे, अविल वालिदे या वालिद, यार मैं अपना तो कुर्बानी कर सकता, वालदैन के हाल में जाती नहीं, नहीं, इंसाफ का मामला है तो वालदैन के साथ भी यही मामला होगा कि उनको नाइंसाफ़ी नहीं करने दी जाएगी जितना है आपके लिए मुमकिन है, चाहे आपका फैसला वालदैन के खिलाफ हो, वल अकरबीन या रिश्तेदारों के खिलाफ हो। सो ये इंसाफ के बारे में फरमाया आय सूरह निसा में, आयत लंबी है, मैं उसका एक हिस्सा मैंने आपके सामने पढ़ा। दूसरी आयत है सूरह मायदा में, सूरह निसा सूरह नंबर 4, सूरह मायदा सूरह नंबर 5, समझ में आई बात, पेयर्स जोड़ा है, ऐसे इत्तेफाक से नहीं हुआ, और ये दो आयत और कहीं नहीं है, यही है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने सूरतों को जोड़ा जोड़ा बनाया है ताकि आप उनको पढ़ें तो दोनों को मिलकर फिर आपको ज्यादा अहम बड़ा मजमून मिले। इसमें आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला वही बात बयान कर रहे हैं एग्जैक्टली, जरा से अल्फाज के फर्क से, या अय्युहल्लज़ीना आमनु कूनू क़वामीन लिल्लाहि शुहदा बिल्क़िस्त, ए ईमान वालो तुम कायम करने वाले बन जाओ अल्लाह की खातिर गवाह बनकर इंसाफ के लिए। इसमें अल्फाज का जो फर्क भी होता है उसकी भी वजह होती है, बात ज्यादा क्लियर हो जाती है। वहां ये कहा था कि चाहे इसके नतीजे में तुम्हारे अपने मफादात पर जद पड़े, चाहे वालिदैन के, चाहे रिश्तेदारों के, यहां एक और बात कही, इंसाफ ना करने की दो वजूहत होती है, या अपने मफादात, या अपनों के मफादात, या मैं नहीं छोड़ना उसके खिलाफ। तो फरमाया कि वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू, और तुम्हें किसी की दुश्मनी इस बात पर ना उभारे कि तुम इंसाफ ना करो, ए दिलू इंसाफ करो, वह अक्रबुल तकवा, ये तकवे के करीब है। तकवे के करीब का मतलब क्या है? तकवे के करीब का मतलब यह है कि तकवा तो एक दिल की फीलिंग है, कैफियत, यह आपके कंट्रोल में ही है। आप कहेंगे कि देखो मुत्तकी बन जाओ, सर कैसे बने, कोई बाजार से मिलती है कोई तकवा जो आप लेके आए? नहीं, वो खुदा की तौफीक होती है। अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं ए दिलू वह अकरब उल तकवा, इंसाफ करोगे इधर से तकवा तुम्हें मिल जाएगा, वो खुदा की तरफ से मिलेगा। तुम इंसाफ नहीं करोगे, जुल्म करोगे, तकवा मेरे सवाल पैदा नहीं होता, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए कि अल्लाह ताला की पॉलिसीज में इनकंसिस्टेंसी नहीं है। सो ये पहला उसूल है कि आपको इंसाफ करना है, अखलाकियात में पहला उसूल है, जिसके पास इंसाफ नहीं है वो जो मर्जी बोले, जो मर्जी कहे, जो मर्जी तस्वीरें खिंचवाए, उसके पास अखलाक नहीं है, इसलिए कि ये पहली चीज़ है। उसके बाद फरमाया वल एहसान, और एहसान, एहसान का मतलब है इंसाफ के तकाजे के मुताबिक जो कुछ देना बनता है उससे ज़्यादा दे दें, और अगर इंसाफ के मुताबिक आप कुछ लेने वाले बनते हैं उससे कम पर तैयार हो। ये असल में हुस्न है सोसाइटी का, अदल तो आप समझिए कि एक वो है ना, कानूनी चीज़ है, बिल्कुल ठीक है, लाजिम है, लेकिन उससे सूरतयाल काफ़ी सीरियस सी, कुछ थोड़ी सी बोरिंग सी हो जाती है। जब सोसाइटी में अदल के साथ एहसान करने वाले लोग होंगे तो फिर मालूम होगा कि कुर्बानी दी जा रही है, हमदर्दी की जा रही है, दूसरों का दर्द आप शेयर कर रहे हैं, आउट ऑफ द वे जा रहे हैं। अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि अदल भी हो और साथ साथ एहसान भी हो।
और ईताए ज़िल क़ुरबा, रिश्तेदारों पर खर्च करना, ये भी असल में एहसान ही का एक हिस्सा है। ठीक है, आपने कमाया है, अल्लाह ने आपको आप अपना फजल दिया है और नवाजा है, लेकिन जहां अल्लाह ने आपको फजल दिया है वहां आपको रिश्तेदार भी दिए। वो चाहता तो उनको खुद संभाल लेता, लेकिन उसने स्कीम ये बनाई कि आपको दिया उनको नहीं दिया, तो अब ये आपकी अखलाकी जिम्मेदारी है, उनको अबैंडन नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम क्या करें, उनकी प्लानिंग ही गलत थी, वो बंदा ठीक काम ही नहीं करता। सो आई डोंट केयर, नहीं ये नहीं हो सकता। सो आपको उनकी मदद करनी है। और ये अगेन वही बात के दीन कैसे चीज़ें वाजे करता है, रिश्तेदारों में रिश्तेदार तो हैं ही, रहमी रिश्ते इसमें इंक्लूड कर दिए गए, हमसाए, हमसायों में भी फ़र्क किया गया, कुछ हमसाए रिश्तेदार होते हैं कुछ अजनबी होते हैं। और फिर इसमें जो हद कर दी वो ये कर दी कि वसाहिब बिल जम, आप सफ़र में जा रहे हैं, साथ वाला जो बैठा है इधर उधर वो भी आपके वो हमसाए, आप कहीं काम करते हैं आप जॉब आपके कुलीग्स आपके हमसाए, आप कहीं पढ़ते हैं आपके क्लास फेलोज और आपके हमसाए। तो ये सब असल में एक कुनबा है और इन पर खर्च करना, आप कहेंगे खर्च करना ही बता देते तो काफ़ी नहीं था, नहीं नहीं हो सकता है आप दुनिया जहान में खर्च कर रहे हो और साथ वाले घर में सगा भाई है वो रुल रहा है, तो माफ़ कीजिएगा ज़ाया हो गया सब कुछ। खुदा ताला की तरतीब आपको फॉलो करनी है, सारी दुनिया में आप जाके तबलीग कर रहे हैं और अपने जो हैं उनको आप छोड़ रहे हैं, तो ये तरतीब ठीक नहीं है। सो रिश्तेदार खुदा ने बनाए, आप नहीं छोड़ सकते उनको, वो बदतमीज़ी भी करेंगे तो आपको निभाने की कोशिश करनी है। जिसको कहते हैं ना सिला रहमी, क़त रहमी नहीं हो सकती। ये हैं तीन पॉजिटिव चीज़ें जो बेसिक बुनियादी उसूल हैं, इनको हम देखेंगे आगे चल के अल्लाह ताला एक्सपेंड करेंगे वो अगली सूरा में। जो मनफी चीज़ें उनमें फरमाया कि वयनहा अनिल फाहशा, फोहश से, वो जिसका भी मैंने जिक्र किया, चूँकि वेस्ट के पास अब दीन नहीं है तो उनके लिए फोहश कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ये नहीं कि प्रॉब्लम नहीं है, मगर वो उसमें आज़ादी के चक्कर में इतने ज़्यादा अंधे हो गए कि फिर उनका ये छोड़ो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। सो ज़िना, एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स, मर्द औरत के दरमियान, अब ये बताना पड़ता है मर्द मर्द के दरमियान, औरत औरत के दरमियान, वगैरह वगैरह, यू नो, इसकी और भी बड़ी खौफनाक कुछ शक्लें हैं, लेकिन ये सब अल्लाह की एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ है, वो एक्सपेक्टेशंस के जो दीन से पहले आपके अंदर आपकी शख्सियत आपकी फितरत में अल्लाह ताला ने डाल दी है। इससे भी इनहराफ वो चीज़ है कि जिसको कि कंडेम किया गया है। वल मुनकर, मुनकर इनकार से है, इनकार यानी आदमी यू नो कंफर्टेबल नहीं था, ये बात ठीक नहीं है, अरे ये तुम बात कर रही हो सही है, मैंने तो कुछ और सुना था, तुमने उस वक्त तो कुछ और कहा था, नहीं नहीं मैंने यही कहा था, मैंने कहा था यार ये आई एम नॉट कंफर्टेबल, तो झूठ मुनकर है, हर वो चीज़ मुनकर है कि जो आप अंदर से जानते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, ये क्या हो रहा है, ये बंदा ये अपने बाप से कैसे गुफ्तगू कर रहा है, ठीक नहीं लगता है, यू नो मुनकर। सो वो एक उसकी लंबी लिस्ट है और अल्लाह ताला ने एक लफ्ज़ बोला है, समथिंग दैट मेक्स यू अनकंफर्टेबल, मॉरली आप यू नॉट एट ईज, ये ठीक नहीं लग रहा, तो ये मुनकर है। और ये सोसाइटीज उसको क्लैरिफाई भी करती हैं। वल बागी, और सरकशी, सरकशी क्या होती है, यानी आपकी कोई हैसियत है उसमें आप उससे नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए दूसरों के हुकूक को उनसे छीन लेते हैं, दस्तराजी करते हैं, आपको यू नो हैसियत मिली है
और आपने उस हैसियत को इस्तेमाल करते हुए फिर लोगों के ऊपर आप जुल्म कर रहे हैं, तो ये भी वो चीज़ है कि जिसको अल्लाह ताला ने कंडेम फरमाया है। और देखिए वो जो आयत पढ़ते हैं हर जुम्मे के खुतबे में, उसमें आखिर में याइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून, वो तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम नसीहत हासिल करो, ताकि तुम्हें याद दहानी हो, ताकि तुम्हारे अंदर जो ये बातें पहले से मैंने तुम्हें पैदाइशी तौर पर दी थी और तुम भूल गए थे, ये वापस आ जाए। याइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। तो ये बुनियादें हैं। इसके बाद हैं कुरान मजीद के अहकाम अशरा जो सूरह बनी इसराइल में, और वो मैंने बता दिया आपको अगली सूरह इससे इसकी जोड़ा सूरह है, और आयत नंबर 22 से 39 तक है। यही वो अहकाम हैं जो ज़रा सी डिस्क्रिप्शन के फ़र्क से ओल्ड टेस्टमेंट में भी मौजूद हैं, उनको 10 कमांडमेंट्स कहते हैं। मैं जब इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ाता हूँ और पूछता हूँ तो पता है 10 कमांडमेंट्स क्या है, तो कोई 40-50 की क्लास में एक आध हाथ खड़ा होता है, ये सर एक फिल्म का नाम है, मैंने देख लिया। मैंने कहा चलो यार शुक्र है फिल्म के बारे ही तुम्हें बात समझ में आई है। सो ये वो हैं जो बाइबल में बयान हुए हैं। पुराने मजीद अल्लाह की किताब है, बाइबल भी अल्लाह की किताब है, तो वी शुड नॉट बी सरप्राइज्ड के बातें वही हैं जो बयान हो रही हैं इसमें। बाकी चीज़ें तो शाम को मैं बयान करूँगा। जो इस वक्त एक बात सिग्निफिकेंट है उसकी तरफ मैं यहाँ उसको बयान कर देता हूँ। इन 10 अहकाम को बयान करते हुए अल्लाह ताला ने शुरू में भी और आखिर में भी, और ये कुरान का अगेन एक और स्टाइल है, तौहीद को बयान किया है, शिर्क को कंडेम किया है। जैसे अगर आप देखें गौर करें सूरह मोमिनून में और सूरह मारिज में, अल्लाह ताला ने सूरह मोमिनून की तो शुरू की आयत है बताया है कि अहले ईमान कौन होते हैं, उसके बयान के आगाज में भी नमाज है और आखिर में भी नमाज है। सो ये बताया है कि यू नो ये आगे पीछे है, ये है जो उसको डिफेंड करती है, उसको सिक्योर करती है, उसको आपके लिए मुमकिन बनाती है। नमाज क्या है? खुदा ताला की तौहीद को मानने के बाद जो आपसे तवक्को की जाती है प्रैक्टिकली एक रिचुअल की सूरत में, सिम्बॉलिकली उसका इजहार है। सो ये जो शिर्क है ये असल में अदल और इंसाफ ही का तकाजा है। यानी कुरान कहता है अदल का उलट क्या है? जुल्म, ज्यादती। कुरान कहता है इन शिर्क लज़ुल्म अज़ीम, शिर्क एक अजीम जुल्म है। जुल्म क्या है? जिसका हक है वो आप उसको न दें, इनकार कर दें। इस दुनिया कायनात का सबसे बड़ा हक ये है कि इसका बनाने वाला वही तन्हा है, खालिक भी है मालिक भी है और चलाने वाला भी है। उसको इसी हैसियत में मानना ज़रूरी है, और इस हैसियत को मानने के बाद उसकी इबादत और परस्तिश करना और उसकी बात को मानना, उसकी इताअत करना, ये उसका हक है बिला शिरकत गैरे, किसी और को उसमें शरीक नहीं किया जा सकता। तो ये पहली बात है तौहीद की अखलाकियात के बयान में, और ये मैंने गुजारिश की कि इंसाफ और अदल के तकाजे ही से फूटती है बात। शिर्क एक चुनाचे कंडेमनेबल बात है, और अगर अल्लाह के नज़दीक कोई वजह ना हो बंदे की तरफ से, कोई एक्सक्यूज़ ना हो ऐसा कि जो हम नहीं जानते, वरना शिर्क की सज़ा जहन्नम है। इसलिए कि आम हालात में इसके लिए कोई एक्सक्यूज़ बंदे के पास है नहीं, सिवाय इसके कि खुदा ताला अपनी हिकमत में जो जानता है वो ज़ाहिर है हमसे एक बालातर चीज़ है। ये क्या है? अल्लाह को किसी की ज़ात से मानना या किसी को अल्लाह की ज़ात से मानना, अल्लाह को किसी की ज़ात से मानना या किसी को अल्लाह की ज़ात से मानना, यानी अल्लाह को किसी का बेटा मान लेना या अल्लाह से कोई बेटा मान लेना, बेटियां मान लेना, या अल्लाह की कोई बीवी मानना वगैरह वगैरह, ऐसे हिमाकतें की गई हैं।
मसीहियों ने की हैं, मुशरिकीन मक्का ने की हैं, और हमारे यहाँ भी बाज़ लोग हैं कि जो वादतुल वजूद को एक ईमान का हिस्सा मानते हैं कि सब कुछ ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह, ये भी एक है। तो ये सब शिर्क है। खुदा अलग से एक बिला शिरकत गैरे एक हस्ती है जिसने हमें पैदा किया है और बाकी सब हम उसके बंदे उसके मखलूक हैं। तो ये एक है। और दूसरा, मखलूक में किसी को तदबीर उमूर में शरीक मानना। कुरान की आयत जो तौहीद को बयान करती हुई है कि अला लहुल खल्क वल अमर, जान लो के तख्लीक भी उसी ने की है, बनाया भी उसी ने है और दुनिया को चला भी वही रहा है। अगर आप ये मानते हैं कि दुनिया के चलाने में उसके अलावा कुछ और लोग भी शामिल हैं ऐसे कि अगर आप उनको अप्रोच करें तब भी आपका काम बन जाएगा, इसलिए कि अल्लाह ताला ने ये डिसाइड किया है कि यू नो आई डोंट वांट टू डू इट ऑल माई सेल्फ, तो मैंने कुछ और भी असिस्टेंट्स बैं किए। अगर आप इसको मानते हैं तो ये भी शिर्क है। चुनाचे इसकी हमारे यहाँ बड़ी मिसालें हैं, यू नो गौस, कुतुब, अब्दाल, गरीब नवाज, दाता, मानते हैं लोग, या अली मदद, और क्या क्या कुछ कुछ नहीं करते। सो खुदा है कि जो मदद करने वाला है वही दाता है, वही गरीब नवाज है, वही देता है, वही सुनता है, कोई और ना सुन सकता है ना कोई किसी के काम आ सकता है। तो ये शिर्क है। और तौहीद को इख्तियार करना ये समझिए कि अखलाकियात का सबसे पहला उसूल है, और उसको जैसे कि बयान किया गया है वो सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 22 से लेकर 29 तक, शुरू में भी वो है आखिर में भी वो है, लेकिन उसकी तफसीलात हम उन शाम को पढ़ेंगे। अकूलो कौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम। जिसने सवाल करना है वो ये खिलौना ले लें जी। सर, ये जो स्ट्रेटजिस्ट होते हैं इस कल की लाइन के लोग, तो ये क्या है ये? वो मेरी बात को गौर से सुने जी। सर, ये इल्म और वो लोग, वो उनको जो इल्म, वो भी तो है ना, उन्होंने खुद से तो नहीं हासिल किया, हर चीज तो अल्लाह की तरफ से मिलती है, तो सर इसको जरा प्लीज बयान कर दीजिए। देखें दीन में जी एस्ट्रोलॉजिस्ट हो गए, कोई ऐसे लोग भी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और ये जो जिन्नात आके बात करते हैं और बताते हैं, मेरी ज़ाती ज़िंदगी में भी ये वाक़ियात हैं। सर ये फिर ये कहाँ पे, इसको कैसे देखना है, कैसे ज़रा प्लीज आप इसको तफ़सील से। शिर्क नाकाबिले क़बूल है। शिर्क क्या है मैंने इख्तसार के साथ आपको बताने की कोशिश की। ये आप देखेंगे कि दीन ने इसको बयान किया है, और मैं इससे पहले भी इसको वाज़े कर चुका हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं असल गुनाह और कुछ चीज़ें होती हैं उस गुनाह की तरफ ले जाने वाली। हमारे दीन में, शरीयत में बहुत से अहकाम सद्दल लज़रिया के लिए, यानी उस रास्ते को रोकने के लिए कि जिस रास्ते पे अगर आप चल पड़े तो फिर आप उस बड़े गुनाह की तरफ भी पहुंच जाएंगे कि जिसमें पड़ना हलाकत है। तो बाज़ औक़ात एहतियात का तकाज़ा होता है। ये जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो अक्सर ये ज़रूरी नहीं होता कि एक्सीडेंट हो, लेकिन सीट बेल्ट आपको बांधनी है कि खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए तो आप बच जाएँ, और उसको भी लाजिम कर दिया गया है। तो ये जो होते हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट और नजूमी लोग, इनका कोई इल्म है मैं नहीं जानता, ये क्या हमेशा सही बात करते हैं ऐसा तो नहीं है, कुछ सही होती है कुछ गलत होती है।
कैसे ये होता है ये एक अलग सवाल है। इसका जवाब शायद ये है कि कुरान मजीद से मालूम होता है, और आपने भी कुछ इशारा कर दिया कि एक और मखलूक है हमारे कज़न्स, एक कज़न्स हमारे हैं यहूदी और एक कज़न हमारे जिन, दोनों ही मुश्किल है। तो वो हमसे ज़्यादा आप समझिए कि गैब से वाकिफ हैं, उनके लिए एक हिस्सा गैब का जो हमारे लिए गैब है उनके लिए हाजिर है। सो वो कोई चक्कर चला के और दुनिया में अपने जो उनके साथी होते हैं उनसे राबता करके उनसे कुछ बातें उनको बता देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एस्ट्रोलॉजी में जो कुछ कहा जाता है वो ऐसे ही होता है, कुछ और भी तरीके हैं, कुछ वो सितारों का भी कोई अंदाज़ा लगाते होंगे, मगर ये एग्जैक्ट साइंस नहीं है। और इस वजह से इससे अगर रोका गया है तो ये सद्दल ज़रिया के लिए, कि वजह क्या है, वाई डू यू वॉन्ट टू नो द फ्यूचर। आप अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला हर चीज़ से वाकिफ़ है, और जिस फ्यूचर को आपने किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट के ज़रिए से जान लिया तो जो आपने जाना क्या खुदा ताला पाबंद है कि उसको वैसे ही करे। तो ये भी आजमाइशों में से एक आजमाइश है, जब आप तौहीद पर कारबंद हैं, उसके बारे में संजीदा सेंसिटिव हैं, तो फिर आपको उन चीज़ों से भी बचने की कोशिश करनी चाहिए कि जिनको इख्तियार करने से ये ख़दशा होता है कि फिर मैं वहाँ ना पहुँच जाऊँ। और इसमें लोगों को एक प्रॉब्लम है, बदएतकादी हो जाती है। ये तो आप बहुत सुना है, बहुत पहुँचे हुए हैं कि बात कभी गलत नहीं होती, पर समझें कि यहाँ से ख़तरा शुरू हो गया। तो इस वजह से बेहतर यही है कि आदमी सीट बेल्ट बांध ले, अगरचे कि कोई ज़रूरी नहीं है कि लाजमन एक्सीडेंट होगा। जी इखलाकियात की बात हो रही है, तो जो अब जनरेशन हैं, बच्चे हैं हमारे, इतनी डी जनरेशन है इखलाकियात की, तो आपका डायग्नोसिस क्या है कि हम किधर गलती हमने की और कहाँ पे उनको नहीं सिखा पाए, जनरल पब्लिक की बात करें। असल में हमारे साथ ये हुआ कि कई चीज़ें हो गई, हम एक कन्फ्यूज्ड सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में जहाँ से अखलाकियात मिलनी थी वहाँ से फ़िरक़े वारियत और फतवे मिले। हमें अखलाकियात मिलनी थी मेंबर से, वहाँ आप जाएं तो इल्ला माशाअल्लाह आपको एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी, फतवे, कहानियाँ, हूरों की तफसीलात, इस टाइप की चीज़ें मिलती हैं। तो जो खुदा ताला का निज़ाम था उसके दीन में, वो निज़ाम गैर मुअस्सर हो गया। और मैं आपसे गुजारिश करूं कि सबसे तकलीफ़ दे और मुश्किल प्रॉब्लमेटिक चीज़ जो होती है इस प्रोसेस में वो है एतमाद का ख़ात्मा, कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाती है। सो हमारी नई जनरेशन के यहाँ एक जानब ये सारी बातें हो रही हैं और दूसरी जानब दुनिया की वो तरक्कियाँ हैं कि हर एक महसूस करता है। मतलब मैं जब देखता हूँ कि यार कोई खातून जा रही हैं काम करने किसी के घर में, साथ उनके फ़ोन है और वो बात कर रही है, सुभान अल्लाह, ये तरक्की कहाँ से आई है, वहाँ से आई है। आदमी मैं आपको बताऊँ इम्प्रेस होता है, ये मुझे नहीं बताने की ज़रूरत है, इसका नज़ारा तो मैं पाकिस्तान में भी कर रहा हूँ कि किसी वजह से अल्लाह वास्ते आप इम्प्रेस हो गए। आई डोंट नो व्हाई, शक्ल सूरत अच्छी है, आवाज़ अच्छी है, क्या अच्छा है, उसके बाद बस आप पीछे पड़ जाते हैं। तो वेस्ट इज़ वेरी इम्प्रेसिव और हम बिल्कुल इम्प्रेसिव नहीं है, यानी हमने जो बात कर रहे हैं वो भी इम्प्रेसिव नहीं है। अच्छा पता नहीं हमने एक ख़ास किस्म की शक्ल सूरत बना कर अपने आप को पेश करने को दीन बना दिया, वो भी इम्प्रेसिव नहीं है। आई मीन फ्रॉम अदर पॉइंट, इधर तो हम इतने ब्रेन वॉश है, कहते हैं यही सही चीज़ है। सो एक तो ये बड़ी प्रॉब्लम हुई। इसके नतीजे में ये हुआ कि हमारे निज़ाम में मुख्तलिफ आवाज़ें आने लगी, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, बिकॉज क्लैरिटी नहीं है ना। ये जो हमारी क्लर्जी है इनका
जो मेन स्ट्रीम लर्निंग है उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो ताल्लुक है, वो कन्फ्यूज सा ताल्लुक है इस्लामियात और इस्लामिक स्टडीज़ का, तो ये प्रॉब्लम हुई। और इसमें मैं सच्ची बात है कि इन लोगों, ये तो जो डायरेक्ट हैं इससे मुतालिक तो बात होती है, सबका कसूर है। यानी हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत थी तो हमने मेडिकल कॉलेजेस बना लिए, इंजीनियर्स की ज़रूरत थी हमने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ बना ली, हमें स्कॉलर्स की ज़रूरत नहीं थी, वो हमने प्राइवेट पार्टीज़ के हाथ में दे दिया। और ये मैं और आप नहीं कर सकते, ये निज़ाम ही करेगा, मुल्क का निज़ाम। जब आप प्राइवेटाइज करेंगे इसको तो फिर लाजमन फ़िरकेवारियत होगी। भाई मैं जब मस्जिद बनाऊँगा तो मैं तो अपने फ़िरके की बनाऊँगा, आप अपने फ़िरके की बनाएंगे, ऐसे ही होता है, इसलिए कि कोई मरकजी निज़ाम तो है नहीं ना। सो ये सब कुछ हुआ, इस वजह से अब हम अनफॉर्चुनेटली इस पोजीशन में नहीं हैं कि हम एक मुत्तफिका कोई मैसेज पुट अक्रॉस करें। अभी वो रिसेंटली आजकल में कल परसों में किसी ने सवाल किया कि वो पूरा कुरान पढ़ाने का जो एक तजवीज़ पेश की गई है, बल्कि इम्प्लीमेंट हो गई है, मुझे तो इससे बहुत डर लगता है। कौन पढ़ाएगा कुरान? इसलिए कि मैं असल मेरा एक सवाल है, मेरे चंद सवाल आते हैं, जो पढ़ाएगा वो काफिर किसको कहता है? अगर वो काफिर उसको कहता है कि जो उसने पढ़ा हुआ है, तो फिर ये तो नफ़रत फैलाने का एक मुस्तकिल बंदोबस्त हो जाएगा। तो यू नो ये प्रॉब्लम है ना, ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट्स की प्रॉब्लम है। जिसमें जो डिफ़िकल्टी है वो ये है कि अब हम ख्यालात नज़रियात में मुत्तहिद मुत्तफिक नहीं है। हो सकते हैं, यानी मैं जब मुझे मौका मिलता था टीवी प्रोग्राम्स में जाने का, तो ज़ाहिर है वहाँ अल्लाह का शुक्र है सियासी प्रोग्राम नहीं होते थे मेरे वाले, मजहबी होते थे, तो मजहबी लोग आते थे, तो जब हम ऑफ द स्क्रीन बात करते थे तो अक्सर चीज़ों में मुत्तफिक करते होते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। और ये जो माइनर चीज़ें हैं जो आप अपने घरों में बात करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नुमाया हो जाती हैं। तो यहाँ से डिफ़िकल्टी आई है। अब ज़ाहिर है प्रैक्टिकल बात यह है कि अपने अपने वालदैन कोशिश करें जितना एक उनके लिए मुमकिन है, जहाँ बहुत नेगेटिविटी है वहाँ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। इंटरनेट की वजह से अब ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है, और जहाँ दुनिया की खुराफात भी स्क्रीन पर आती हैं वहाँ बेहतरीन चीज़ें भी अवेलेबल। सो असल में इम्तहान तो वही है, आपने इंतखाब करना है। अब इंतखाब की चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं, अभी भी वही बात है, जो सच्चाई का रास्ता इख्तियार करना चाहेगा उसके लिए भी रास्ते मौजूद हैं, जो बुराई का रास्ता इख्तियार करना चाहेगा उसके लिए भी रास्ते मौजूद हैं। यानी ऐसा नहीं है कि अब एक शख्स के जो हक पसंद है वो मजबूर है कि वो हक को छोड़ के बातिल इख्तियार करें, नहीं, वही चीज़ें हैं। दुनिया में अल्लाह ताला ने इसी तरह का इम्तिहान बरपा किया हुआ है। लेकिन वो जो आपने बात बयान फरमाई कि हम अपनी सोसाइटी में वेयर हैव वी गॉन रॉन्ग, यू नो हमने उस निज़ाम को बनाने में कोई दिलचस्पी ली ही नहीं, चुनाचे अब क्या हो सकता है। सच्ची बात है कि वो ख्याल में भी नहीं आता कि क्या हो सकता है। यानी वो मौलाना अमीन हसन इस्लाही के पास हम जाते थे, तो वो एक बुज़ुर्ग आदमी थे अपनी, उनके यू नो बहुत बुज़ुर्ग हो गए थे उम्र में, तो बस वो अपनी बातें सुनाते थे, सुन भी नहीं सकते थे। आम तौर पर बड़े कंपोज्ड और उनकी कंटेंटमेंट होती थी। एक दिन हम गए तो बड़े परेशान थे, तो उन्होंने अपनी परेशानी को यूँ बयान किया कि बात यह है कि मेरा तो दुनिया से प्रैक्टिकली कोई ताल्लुक नहीं है, अखबार वगैरह मैं पढ़ता हूँ, खबरें पढ़ लेता हूँ, तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है जो मुझे नज़र आ रही होती है यू नो दुनिया में आलम इस्लाम में वगैरह, तो मैं उसको अपने जहन में एडजस्ट कर लेता हूँ कि पता है ये यूँ होगा और फिर यूँ होगा तो ठीक हो जाएगा, वो ऐसा कर लेगा और वो ऐसा कर लेगा तो मामला ठीक हो जाएंगे। तो कहते हैं कि अब मैं अपने जहन में भी नहीं उसको ठीक कर सका, कोई चाल ही समझ में नहीं, क्या करेंगे भाई, मतलब इन लोगों को कैसे इकट्ठा करेंगे। हैविंग सेड दैट, ये तो है ना, मैं हमेशा समझता हूँ, इसलिए कि जब आदमी के ऊपर एक ख़ास किस्म की मायूसी तारी होनी शुरू हो ना, तो आदमी मैक्रो पिक्चर से अपने आप को कट ऑफ कर ले, अपनी माइक्रो को ठीक कर ले। आपने उतना ही करना जितना आप कर सकते हैं, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, जो आपके आसपास के लोग हैं,
बाकी सब काम अल्लाह के हाथ में है, वही बरकत डालता है। वो अगर चाहे तो आप जैसे लोग और भी बहुत से पैदा कर दे, हर एक को आप ही कितना फिक्र होगी, और उनको यकजा कर दे, जहाँ कहीं अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ ज़रूर अपनी सही बात करें, पेश करें, और अल्लाह ताला मामलात को ठीक करने वाला है। हमें अपनी कोशिश करनी है अपनी इम्कानी हद तक। जी सर, आपने शुरू में मिसाल दी ईद और माशरे की डिजिटल जनरेशन के बारे से, ईस्ट की भी मिसाल दी, आपने वेस्ट की भी मिसाल दी, तो उससे ये तासुर भी एक लिहाज से उभरता है कि जैसे जिस ओवर पीरियड ऑफ टाइम सेंचुरीज में ये हो गया, तो एक छोटी सी वजाहत की दरख्वास्त है कि क्योंकि पुराने पाक में इतनी जगहों पे ये जिक्र है कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, एक तो ये बात है, फिर हिजबुल्लाह और हिजबुल शैतान, इन दोनों का बड़ा तफसील से जिक्र है, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आपको इसी ये वजाहत कर दें अगर कि ये जो बहुत सारे वेस्टर्न स्कॉलर्स, इवन जो उनके रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, कुछ लोग ईस्ट में भी इस मौजू पे काम कर रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक तरीके से जो है शैतानी हुकूमतें उन्होंने इन बहुत सारी चीज़ों को उभारा है, जैसे फहाशी है या कुछ और चीज़ें। सर मैं मिसाल के तौर पे आपको दो नाम दे देता हूँ, जितने नाम आपके दिल में होंगे, जैसे इल्यूमिनाटीज हैं और फ्री मेसन हैं, बाकायदा ऑर्गेनाइज तरीके से उन्होंने शैतानी हुकूमतों ने इस पूरे सिस्टम को लपेट कर लिया, तो उस सिलसिले में आपको वजाहत करेंगे, बताएंगे कि ये क्या रिलेटेड है, ये जस्ट हैपेंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम। जी देखें, गुजारिश ये है कि कुरान मजीद ने तो पहले दिन से ये बात बयान की हुई, और आपने सही फरमाया कि इस दुनिया के इम्तिहान में जहाँ इंसान को खैर और शर का शऊर एहसास दिया गया है, वहाँ दुनिया में चूँकि अल्लाह ने इम्तिहान के लिए भेजा है, इंसान को आज़ादी भी दी है और बुराई की तरफ दावत देने के लिए शैतान को भी आज़ाद छोड़ दिया है, तो शैतान वरगलाने की कोशिश करेगा। तुम्हें अपने आप को उससे महफूज करना है, और इस बात को एम्फसाइज करने के लिए अल्लाह ताला ने किस्सा आदम व इब्लीस को बार बार बयान किया, ताकि ये बात मालूम हो जाए कि ये हमारे सफ़र के बिल्कुल आगाज़ में ये वाकया हो गया कि हमारे जद्द अमजद दोनों माँ बाप हमारे जो थे उनको वरगलाया गया, वो वक्ती तौर पर उसके बहकावे में आ गए, और फिर उन्होंने तौबा की और अपनी इस्लाह की। और कुरान ने ये भी बयान कर दिया कि ये शैतान जिन्नों में से होते हैं और इंसानों में से होते हैं, तो आपने बाज़ शयातीन इंस की मिसालें बयान कर दी, लेकिन इसका तोड़ क्या है? क्या इसका तोड़ ये है कि हम लोगों को ये बताएं कि देखो जो बुराई है ना, ये शैतान इब्लीस फैला रहा है, और हम आए सुबह शाम उसको बुरा भला कहें? नहीं कहना चाहिए, अल्लाह ताला ने खुद इसका एहतमाम किया है कि हम हज में जाते हैं तो शैतान को हम कंकर मारते हैं, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, एक नहीं बल्कि तीन को मारते हैं, और इसी चीज़ को अपने अंदर रासिख करने के लिए कि हम शैतान जो असल में एक रियलिटी भी है और एक सिंबल भी है बुराई का, हम उससे अपने आप को दूर रखें और उसको कंडेम करें। हैविंग सेड दैट, मुझे बाज़ औक़ात ये ख्याल होता है, ख्याल ही है मेरा, इसको ज़ाहिर है कि गौर करते रहना चाहिए, कि हम अगर अपने आप को जैसा कि कुरान ने ख़ुद बताया है अल्लाह के पैगाम और दीन के साथ वाबस्ता रखें, जिसको अल्लाह ताला कह रहा है ज़िक्र है, ये अल्लाह का ज़िक्र है, तो शैतान हमें बहला नहीं सकता, फुसला नहीं सकता। वमन याशु अन ज़िक्र रहमान नुक़य्यद लहु शैतान, जो रहमान के ज़िक्र से दूर होगा हम शैतान उसके साथ लगा देंगे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ के ये जो आप बात बयान फरमा रहे हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन
मुझे ऐसा लगता है, शायद एक बड़ी बचकाना सोच है, कि अबू जहल और अबू लहब शैतान के एजेंट्स बन गए थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी इसलिए कि उनके अंदर भी पोटेंशियल था ईमान लाने का। इन्हीं लोगों को जिनको हम शयातीन करार दे रहे हैं, ये इंसान है। हो सकता है कि इनमें से बाज़ लोग बात को सही तरह से ना पहुंचने की वजह से रिएक्शन का शिकार हो गए। तो मेरी गुजारिश ये है कि हम एक जानब इन शयातीन की शैतानी चालों से बचे रहें, और कैसे बचे रहें, अल्लाह के पैगाम को समझ के, इख्तियार करके, उसको आगे प्रमोट करके, और दूसरी जानब हम काउंटर ऑफेंसिव करें। हमारे पास ज़्यादा पोटेंट पैगाम है, वो तो जो कुछ बयान करते हैं सब वक्ती है, हमारे पास तो परमानेंट सॉल्यूशन है, यानी मैं बात कर रहा हूँ ज़िंदगी के अगले दौर का भी। सो हम इस एतमाद के साथ बात करें अपने लोगों, नौजवानों से भी, और उनको भी पहुँचाएँ। तो हमारा काम इतना ही है, इसका एक नतीजा ये निकलेगा कि अल्लाह ताला हमें उनकी चालों से महफूज भी रखेगा, और हमारे अपने लोग भी इंशाल्लाह महफूज रहेंगे, और मुझे इस पर पूरा इत्मीनान है कि उनके लोग भी टूट कर आएंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ब्लैस्फेमी के नाम पर बहुत सी हरकतें रीसेंट पास्ट में हुई, उनमें एटलीस्ट दो को मैं जानता हूँ कि जो उसके सरगना थे वो ईमान ले आए। उनमें से एक ने बदतमीजी की थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो जब वो मुसलमान हुआ तो मदीना मुनवरा जाके जो उसको बात समझ में आई फिर वी वेंट देयर एंड सेड सॉरी। और दूसरा जो स्विट्ज़रलैंड में जिसने मुहिम चलाई थी कि वो मस्जिद के मीनार गिराए जाए, वो भी ईमान ले आया। सो इतना पोटेंशियल है इस पैगाम में, इसलिए यही तो एक पैगाम है, बाकी तो बकवास है। बाकी तो शैतान क्या है, शैतान तो ऐसी वक्ती तौर पर शोर शराबा करता है। तो बस इसको हम और बेहतर तरीके से प्रमोट करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसको गालिब करें। बाकी ये बात कि हिजबुल्लाह और हिजबुल शैतान, देखें मैं जो काम कर रहा हूँ ये हिजबुल्लाह का हिस्सा है, मेरी कोशिश है अल्लाह करे, आई एम नॉट 100% सर्टन, इसलिए कि मैं कमज़ोर इंसान हूँ। ये हिजबुल्लाह का मुझे इजाज़त दें, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट जो लोग पैदा करते हैं उसके बाद वो एक जंग की हालत पैदा कर देते हैं, जैसे कोई लड़ाई हो रही है। ये लड़ाई क्या हो रही है भाई, हमारे पास हक है, हमने उसको पेश करना है, दूसरे गुस्सा कर रहे हैं, हम कह रहे हैं गुस्सा ना करो, गलत समझो सारी ये हम बात कर रहे हैं, हम ये करते रहें। इतफा बिल्लती या आसन, बुराई का जवाब अच्छाई से दें, बेवकूफ़ ना बने, और लोगों को इनके चालों से बचने के लिए तलकीन करते रहें, अल्लाह ताला आसानी करेंगे इंशाल्लाह, और असल मंजिल तो जन्नत है। आपने करना हो ना तो माइक ले लें दूसरे वाला जी, आप करें ना, आपकी बारी है प्लीज। वो एक तसव्वुर है कि वजूद एक ही है और वो अल्लाह का है, बाकी सब ख्वाबो ख्याल है। सो ये हमारे यहाँ बाज़ मुसलमान इसको बड़ी अकीदत और एहतराम से मानते और इख्तियार करते हैं, लेकिन ये बात गलत है। अल्लाह का वजूद अलग है, हम अलग उसके हकीर बंदे हैं, उसके हम आजिज़ मखलूक हैं, लेकिन ये बात कि हम उसकी ज़ात से निकली हुई गिर कर फरोतर एक पार्ट हैं, और हम एक सलूक की मनाजिल तय करके दोबारा वहाँ उस तक शामिल होने के लिए कोशिश करते हैं, नहीं ऐसे ही है। खुदा का दीन बिल्कुल वाज़े है कि हमको उसने बनाया इम्तिहान के लिए, और हमारे लिए आला तरीन जो कामयाबी है वो जन्नत में दाखला है, ना कि खुदा ताला की ज़ात में दोबारा शामिल होना है। तो ये एक नज़रिया है, जब कोई नज़रिया मजहबी बन जाता है तो लोग उसको बड़ी अकीदत से समझते हैं, और यही इम्तिहान है कि लोगों के जज्बात वाबस्ता हो जाते हैं। मसीहियों से अगर आप बात करें, बड़े वो अब कमिटेड हैं अपने इस अंडरस्टैंडिंग पर, तसलीस पर, और मसीह अलैहिस्सलाम के नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह के बेटे होने पर।
तो ज़ाहिर है जब आप तौहीद को बयान करेंगे तो अगर आप वो बात बयान नहीं करेंगे कि जो आपके यहाँ राइज है, तो आप फिर असल में कुछ भी नहीं कर रहे। आप, मैंने इसी लिए एक जवाब में कहा कि दूसरों को ज़रूर हम गोलाबारी करें, अपनी इस्लाह करें, क्यों असल में यहाँ पॉजिटिव चीज़ है, ये ठीक होगी तो बाकी चीज़ें भी हम कॉन्कर कर लेंगे, नॉट नेसेसरली इन द मिलिट्री और पॉलिटिकल सेंस, दिलों को हम कॉन्कर करेंगे, वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह। मिलिट्री माइनस कर लें, पॉलिटिकल कर लें। जी, ये देखना, आप उस नुक्ते नज़र को आगे बयान कर रही हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँ, इसके बारे में अल्लाह ताला ने आपको बता दिया है कि इस तरह के तमाम मामलात में जो मैं बात करता हूँ वो मुतशाबिहात होती हैं, मेटाफोरिकल। उसकी हकीकत को अगर आपने जानने की कोशिश की तो सिवाय फितने और गुमराही के कुछ नहीं मिलेगा। उसका नतीजा अल्लाह ताला ने बता दिया कि जब उसने रूह फूंकी तो फिर क्या हुआ, वजअला लकुमुस्समा वल अबसारा वल अफ़ईदा, उसने तुम्हें सुनने देखने की सलाहियत और गौर व फिक्र की सलाहियत दी, क़लीलम मा तशकुरून। तो इस हिस्से पर गौर करें, उस हिस्से को बस सुन लें कि अल्लाह ने एक स्पेशल तरीका इख्तियार किया, एक प्रोसेस कि जिससे हम अब हैवान नहीं हैं, हमारे हैवानी वजूद के अंदर एक इंसानी हकीकत है, उसको अल्लाह ताला ने ऐसे किया। और वनफख्तु फीहि मिन रूही, ये एक मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन है, इसके अल्फाज की हकीकत को सिर्फ अल्लाह जानता है, कोई नहीं जानता। तो ये कुछ हमारे उसमें भी है, मुसलमानों में जो बैठे जी हमारे वो लोग यानी जो सूफी हजरात हैं उनकी दो कैटेगरीज, एक इसको मानते हैं एक नहीं मानते। जो मानते हैं वो उसको पेश करते हैं और वो ये कहते हैं कि ये गलती ना करना कि अवामुन्नास में इसको बयान करना, उनको समझ ही नहीं आएगी। बाज लोग कहते हैं कि ये एक इस्तियारा है, हकीकत में वजूद अल्लाह का ही है, बाकी सब तो उसको कहते हैं इबादत व शहूद है, ये बाकी सब तो ऐसे ही है। लेकिन सच्ची बात यह है कि इस तरह की बातें करने की ज़रूरत क्या है, कुरान पढ़ें, कुरान ने जो बात बयान की है उसको समझें। तो इसके नतीजे में ये बाकायदा नज़रिया मौजूद है, चुनाचे ऐसे लोग फिर आपको मिलेंगे जो जन्नत जहन्नुम का बाकायदा मजाक उड़ाते हैं, और उसकी नुमाइंदगी करते हुए उस शायर ने क्या ज़बरदस्त बात की है, ये देखे उसी सोच को बयान किया है गालिब ने कि तात में ता रहे न मऊ अंगबी की लाग, ये जो आप इतात करते हैं अल्लाह की इसमें ये जन्नत जहन्नुम की लालच न रहे, इसलिए दोजख में डाल दे कोई लेकर बहिश्त को। तो ये खामखा लालचें थे। मैंने अभी एक बड़ी मुसलमान साइकोलॉजिस्ट हैं उनको सुना, वो बड़ी अच्छी बातें कर रही थी, तो मैंने कहा मैं इनकी एक क्लिप शेयर करता हूँ, अंदर से एक छिपकली निकल आई। उन्होंने कहा कि चुनाचे ये जो जन्नत की लालच है ये नहीं देनी चाहिए। मैंने कहा तो फिर मेरे रब ने तो फिर अल्लाह माफ़ करे जन्नत की लालच देके कुछ आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक तो ठीक नहीं किया। नहीं, हमें अल्लाह का पैगाम समझना है, हम अपने फ़लसफे क्यों बनाते हैं अपने। मैंने तो कई पिछले एक लेक्चर में कहा अपने फ़लसफे तोड़ें इस कुरान को पढ़ के, जो कुरान कह रहा है वो सही है। अच्छा, आपको ये बात समझ में नहीं तो पहले कुरान को मान लें, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं, पहले कुरान को अल्लाह की किताब की हैसियत से मान लें और फिर कुरान के आगे सरेंडर कर दें, जो कुरान कहता है उसको मानते चले जाएं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, गलत फहमियाँ हो सकती हैं, लेट्स कीप टॉकिंग अबाउट इट। ये नहीं होना चाहिए जुल्म कुरान के साथ कि नज़रिया आप कायम कर रहे हैं बाहर किसी और से, और कुरान से कह रहे हैं कि अब आप हमारे नज़रिए को माने, तो ये फिर आप यू नो आप जिससे गाइडेंस लेनी थी उसको आप गाइड कर रहे हैं। ये वही वाली बात है कि 5 साल का बच्चा गया, अब जान मैं आपको बताता हूँ सही बात क्या है, आप पुराने दखियान उसी हैं आप जी। सॉरी, नहीं नहीं, आप आपके पास पहले आए थे, मैंने इंसाफ इम्प्लीमेंट कर लिया। एंड आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड। तो मेरी एक दोस्त है, बहुत मेक थी, अब तो वो अल्लाह की प्यारी हो गई, वो थी शिया थी, तो वो मेरे पास आई और उन्होंने मुझे कहा कि आप दो नफर पढ़ें
और आप हजरत इमाम रजा के आप मन्नत माने तो मैंने कहा कि नहीं ये तो फिर बिदत हो जाएगी, तो शी सेड कि नहीं आप इसको करके देखें। उस वक्त तो के चूंकि शायद मैं इतनी तकलीफ में थी तो मैंने वो मन्नत मानी और अल्लाह का कहना क्या हुआ कि इट वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि कुछ दिन के बाद मेरी एक बेटी इंग्लैंड में होती है वो कहीं एक डॉक्टर को मिली और उसने कहा कि ये दवाई है जो एक्सपेरिमेंटल पर्पजेज के लिए है तो आप उसके ऊपर ये ट्राई करें। सो आई वेंट टू द डॉक्टर, आई टोल्ड हिम कि इसका पता लगा, तो उन्होंने कहा कि हाँ। अब मैं सोच रही थी कि अब मैं जाऊँ और जैसे मैंने मन्नत मानी थी कि मैं उधर जाऊँगी, आया ये मुझे भी उस वक्त मेरे दिमाग में ये चीज आई थी कि मैं सीधी क्यों ना मांगू, लेकिन सीधी भी मांग रही थी। लेकिन एक कोइंसिडेंस, एक कोइंसिडेंस, इट वाज अ हैप्पी कोइंसिडेंस, लेकिन ये भी है कि अल्लाह के साथ जो वादे किए हैं मैं वो भी पूरे। अब मुझे जाना चाहिए। गुजारिश ये है कि दो तीन बातें, पहली बात तो स्ट्रेट ये है कि नहीं जाना चाहिए। इबादत सिर्फ अल्लाह की होगी, इबादत नमाज है, इबादत रोज़ा है, इबादत मन्नत है, इबादत तवाफ़ है, इबादत एतकाफ है, इबादत दुआ है, ये किसी और के लिए नहीं, पैगंबरों के लिए भी नहीं होगी, नंबर वन। नंबर टू, आपके ख्याल में जो इतनी बड़ी तादाद में लोग औलिया के मज़ारों पर जाते हैं वो बेवकूफ़ हैं? नहीं, उनके काम होते हैं, उनके काम होते हैं तो वो फिर जाते हैं। अभी तो शुक्र है अल्लाह का कि हमें इस मुल्क में, इस शहर में वो अब कम देखने को मिलता है, वरना 20 साल पहले की बात है कि दौले शाह के चूहे वो आपको बड़ी तादाद में नज़र आते थे, सर उनके चिपके हुए होते थे छोटे से, तो वो जिस ज़माने में मैं लम्स में था तो मुझे वो किसी कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि जी हमने इस पर रिसर्च की गुजरात के किसी इलाके में, ये होते हैं तो उन्होंने वालदेन से मिले वो बहुत से, तो उनसे पूछा कि ये कैसे आप जुर्म कर लेते हैं, तो कहते हैं जी कि इसके नतीजे हमारे काम हो जाते हैं। कहने का मकसद ये है कि आपका काम हो जाना ये इस बात की दलील नहीं है कि आपने जो कुछ मन्नत मानी है वो अल्लाह की निगाह में सही है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अल्लाह ताला एक शख्स जो इतनी बड़ी हिमाकत और गुमराही को करने के लिए तैयार हो जाता है महज इसलिए कि वो परेशान है, और ख़ुदा के फैसले में अगर उसे देर नज़र आ रही है तो उससे मायूस होकर कहीं और चला जाता है, तो खुदा ताला का ये उसूल है कि जो लोग गुमराही चाहते हैं उनके लिए गुमराही के दरवाज़े खोल देता है। तो इसलिए हम तो अल्लाह ही के आगे सजदा करेंगे, अल्लाह की ताकत के अलावा किसी के पास कोई ताकत है ही नहीं। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि आप ऐसा हरगिज़ ना करें। अगर आपने इमाम साहब को कोई हैसियत देनी है तो उनकी तालीमात को सुने और उनकी तालीमात को कुरान की रोशनी में परख कर समझें, जो बात कुरान की फ़िल्टर से गुज़र के आपको ठीक लगे उसको मान लें, यही बुज़ुर्गों की हैसियत है। बुज़ुर्ग हमारे अल्लाह के यहाँ ये हैसियत नहीं रखते कि अल्लाह ने, जैसे कि बाज़ लोग मानते हैं, मुसलमान मानते हैं, ये जो मैंने अभी बयान किया कुतुब अब्दाल वगैरह, कि अल्लाह ने असाइन किए हुए हैं इनको मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स, जैसे होता है ना आपकी ब्यूरोक्रेसी की हायरार्की में कोई कमिश्नर है, कोई डिप्टी असिस्टेंट कमिश्नर है, कोई सुपरिंटेंडेंट पुलिस है, कोई DIG है, तो वो इसी तरह से ये हायरार्की वो समझते हैं और वो फिर उसको बयान करते हैं कि ये जो वाक़या है सूरह कहफ में, यू नो, उस अल्लाह के बंदे का, तो वो ये कहते हैं कि ये इसी की एक मिसाल है कि मूसा अलैहिस्सलाम तो पैगंबर थे, ये पैगंबर से भी ऊंचे कोई बुज़ुर्ग थे और वो ऐसे ही हैं, तो ये कोई चीज़ नहीं है, ये बात ही सारी गलत है। वो बुज़ुर्ग जो थे वो फरिश्ते थे, कोई इंसान किसी बच्चे को कत्ल नहीं कर सकता और अल्लाह ताला उसको फ़ख्र से बयान करे कि जी उसने कत्ल कर दिया और मैंने उसको कहा कि तुम कत्ल करो, नहीं, फरिश्ते हैं जो अल्लाह के हुक्म से लोगों की रूह कब्ज़ करते हैं,
ये वो गलती हम करते हैं जो मैं बार बार बयान करता हूँ कि कुरान को एक कंसिस्टेंट पैगाम समझें, कुरान में कोई तजाद नहीं हो सकता। ये गलती इसलिए होती है कि हम कुरान के खारिज से बातें मानकर उनसे मुतासिर होकर फिर कुरान पढ़ते हैं, तो फिर हम कुरान में अपनी मानी हुई बातों की दलीलें ढूंढते हैं। माइक जी जी आप फिर नेक्स्ट आपका थर्ड है थर्ड जी मेरा सवाल नहीं नहीं वो पहले माइक से उससे मुतालिक है अगर आप उसी से आ जाएगा फिर दोबारा अच्छा होगा दया ध्यान ही हो जाएगी उसकी आपकी मर्जी है जी आप मेरे निजाम अदल को धर्म परम कर रही हैं आप जी मेरा सवाल इसी से ही आगे मैं बढ़ाना चाहती हूँ डॉक्टर साहब यहाँ पे यानी मेरी निगाह में शिर्क जो है वो हराम से भी ज्यादा खौफनाक चीज है और आज जैसे कि आपने हमें बताया भी है अब हम 20 लोग यहाँ पे माशाल्लाह आपके साथ बैठे हैं कुछ समझ रहे हैं कुछ सीख रहे हैं कुछ सुन रहे हैं कुछ इख्तलाफ कर रहे हैं लेकिन ये डॉक्टर साहब जब तक हम इज्तमाई तौर पे मुल्क में जमहूरिया इस्लामिया पाकिस्तान में इस चीज इस पैगाम को आगे नहीं बढ़ाएंगे और मैं शिर्क की बात आपसे करना चाहती हूँ एक मजमूई तौर पर मुल्क को चलाने के लिए कानून साजी होती है उस कानून साजी में हराम की कोई एक दो चीज़ें आईन में आ गई हैं घोड़े दौड़ना शराब पीना वगैरह ये शिर्क का जो है जो कि एक सोसाइटी को खाई जा रहा है जहाँ पे आप बाजारों के जो कुछ आजकल बोला है यानी मैं उसमें नहीं जाना चाहती लेकिन ये शिर्क है जी और वाजे तौर पर शिर्क नजर आ रहा है माशरे में शिर्क है तो इसके ऊपर कानून साजी या कोई किसी तरह से इसको हम फैला नहीं सकते माशरे में कि ये शिर्क जो है ये बहुत बहुत बड़ा गुनाह है जी। देखें अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है लेकिन गुजारिश ये है कि बास बातें कानून से ठीक होती हैं बास बातें नहीं हो सकती। मैं इसकी वजह बताता हूँ आपको। आपने कानून बना लिया हो सकता है कि मैं उसको फॉलो कर लूँ बहुत से लोग करें लेकिन हमारे मुल्क में एक बड़ी तादाद उन लोगों पर मुश्तमिल है एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत से पढ़े लोग लिखे लोग इसमें शामिल हैं वो ये कहते हैं कि ये तो इनकी बात हम क्यों माने हमारे तो ये रहनुमा हैं और जो रहनुमा हैं वो उनको पूरे एतमाद के साथ ये बताते हैं कि ये शिर्क नहीं है ये तो बिल्कुल ठीक है ऐन तौहीद है। तो अब जाहिर है कि हम एक बहुत मुश्किल एक चैलेंज से दो चार हैं और उसमें हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि यकीनन मुल्की सतह पर मुल्की निज़ाम की सतह पर तौहीद के खिलाफ किसी किस्म की कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। दिस शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट। जो मसाजिद हुकूमत रियासत के पास हैं वहाँ तौहीद का पैगाम जाना चाहिए। जो मसाजिद ऐसी हैं जो बड़ी तादाद में हैं कि जिनमें आप अभी ये नहीं कर सकते उनके उलमा को या इन्फ्लुएंस किया जाए या फिर रिप्लेस किया जाए। ये ओवरनाइट करेंगे हंगामा हो जाएगा खून खराबा होगा। इसलिए असल में जड़ें बहुत मजबूत हो गई हैं इन तमाम खराबियों की। इसलिए इसमें कल परसों एक साल में पाँच साल में नहीं सोचना चाहिए अगली जनरेशन का सोचना चाहिए और उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। आई एग्री विद यू। मगर क्या होता है होता यह है कि कोई भी मैंने कोई अच्छी नीयत से कोई हुक्मरान ये फैसला करता है कि मुझे ये करना है क्या करेगा वो आपको और मुझको कमेटी मिलेगा नहीं उस मजबूर होगा वो कि एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी वहाँ से नुमाइंदे ले उन नुमाइंदों के अपने अपने ख्याल होंगे तो वो जो कमेटी है वो चूँ चूँ का मुरब्बा हो उसमें कोई ढंग की बात तय नहीं हो सकती। क्या बात तय होगी जो कॉमन डिनोमिनेटर है वो कॉमन डिनोमिनेटर इतना गैर वाजे और वेग होगा कि उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए सच्ची बात यह है कि ये जो काम है बात बयान करने का फैलाने का इसको
करते चले जाएं और मौसर ज़राए इख्तियार करें। मुझे इसमें कोई शुबा नहीं है कि ये हमें करना चाहिए। अभी हुक्मरान के ज़रिए से उसमें कोई तब्दीली आए, मेरा ख़्याल है वो मंजिल अभी करीब नहीं है। वो हमारे जहनों में हमेशा होनी चाहिए, मगर अभी शायद उसके लिए यू नो प्रेपरेटरी वर्क होना चाहिए, राह हमवार करनी चाहिए। अब इनके पास आएगा वापस अगर इन्होंने अपना राइट बिल्कुल ही फोरगो नहीं कर दिया। सर, मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि सूफी को आप बयान कर दीजिएगा, और ये सूफीज़म कब कैसे कहाँ से ये आपने मुझे ये जो प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ ये जारी रखने देना है या इसको आज ही ख़त्म करवाना है? गुजारिश ये है कि मैं आपको फ्रैंक अपनी अंडरस्टैंडिंग बताता हूँ, और मेरा ख्याल यही तो सही तरीक़ा है। और मैंने ये समझा है कि दुनिया की हर मुश्किल बात हो सकती है, बशर्ते कि उसको बिल्कुल आप प्लेन लैंग्वेज में बयान कर दें। ख़राबी वहाँ पैदा होती है जब आप गुस्सा करते हैं, सख्ती करते हैं, और फिर बात का यू नो ख़राब हो जाती है। मैंने भी कल परसों के सेशन में एक ऐसी कोई बात की एंड आई फेल्ट बैड अबाउट इट, यू नो अगर वो छर्रा बंदूक से निकल चुका था कुछ नहीं हो सकता था। एक दीन है अल्लाह का, वो अल्लाह ने अपने पैगंबरों के ज़रिए से इंसानों तक पहुँचाया, लेकिन दीन करता क्या है मैं ये बता चुका हूँ। दीन इस दुनिया के मुहिमे को, पज़ल को हल करता है। तो बाज़ लोगों ने इस पज़ल को अपने तौर पर हल किया, आई डोंट ब्लेम देम। अगर किसी के पास अल्लाह का पैगाम ठीक तरह से नहीं पहुंचा तो प्रॉब्लम तो तब भी है ना कि भाई ये सब कुछ क्या है, किसने बनाया है, हमारा उसके साथ रिलेशनशिप क्या है, हम अपनी सोसाइटी को कैसे ऑर्गेनाइज करें, कैसे अच्छाई प्रमोट हो, बुराई को रोका जाए, वगैरह वगैरह। एंड व्हाट इज़ द अल्टीमेट एंड? जब अल्लाह का पैगाम नहीं पहुंचेगा तो अच्छे लोग अपने तौर पर सोल्यूशन पेश करेंगे। मेरे नज़दीक, मेरे ख्याल में, आई कैन बी एब्सोल्युटली रॉन्ग, बहुत से अच्छे इंसानों ने टू बिगिन विद वो अच्छे ही थे, बाद में भी अच्छे ही होंगे, मुझे किसी को बुरा कहने का कोई हक हासिल नहीं है, उन्होंने माइनस रिलीजन, रिलीजियस टेक्स्ट, इस दुनिया का सोल्यूशन सोचा और उसको इम्प्लीमेंट किया और उसका निज़ाम बनाया। आप उसको कहें कि ये मिलकर, ये इसको कहते हैं स्पिरिचुअलिज्म, शायद कोई और बेहतर लफ्ज़ हो इसके लिए, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, रूहानियत। ये रूहानियत एक यूनिवर्सल, आप कहिए कि मूवमेंट है, अंडरस्टैंडिंग है, नैरेटिव है। इट ट्रांसेंड्स द बाउंड्रीज ऑफ रिलीजन, हर रिलीजन में। चुनाचे ये जब जूडाइज्म में, यहूदियत में होगी तो उसको कबालाइज्म कहेंगे, ये क्रिश्चियनिटी में भी है, हिंदुओं में भी है। जब ये इस्लाम में आई तो इसने तसव्वुफ का रूप इख्तियार किया। मैं ये नहीं कह रहा किसने बदनीयती से किया, ये लोगों की मजबूरी होती है कि वो एक चीज़ को सही समझ रहे हैं, और आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी राइट टू ब्लेम एनीबडी, उन्होंने उसको कुरान को ऐसे पढ़ना शुरू कर दिया। और ये अब हमारे मुसलमानों की एक बड़ी तादाद, मजहबी लोगों की, वो इसी को सही दीन की ताबीर समझते हैं कि दीन असल में है ही ये। तो जाहिर है कि इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस बारे में गुफ्तगू और डायलॉग नहायत नरमी और तमीज़ के साथ और दलाइल के साथ जारी रहना चाहिए, इसलिए कि जहाँ बदतमीज़ी आई वहाँ शैतान आ गया और झगड़ा होगा, बात ही नहीं होगी। अगर वहाँ वाले कोई बात मानने के लिए आमादा भी हो सकते थे, वो नहीं होंगे, और अगर हमारे यहाँ कोई हम गलती कर रहे हैं, हम भी नहीं देख सकेंगे। ये है जनाब, हमारा अगली मरतबा नया आया तो आप कसूरवार होंगे, मैं नहीं हूँ। जी जो ने बात की उसको एक सजेशन जी, एज एडल्ट्स तो जो अकीदे और जो जहन में सोच होती है वो बड़ी पुख्ता हो गई होती है, उसको चेंज करना मुश्किल होता है। तो अगर जो जैसे ये टेक्स्ट बुक है उर्दू की, पहली किताब, दूसरी किताब, उस एज पे अच्छी सी स्टोरी के तौर पे
मसलन लाहौर के भी कुछ शहर निकला दाता दरबार भी गया है, बट उसने एक तो जुमले ऐसे हों जिससे वो बच्चा 6 साल का जो है उसके जहन में ये क्वेश्चन उठे कि व्हाट आर वी डूइंग, व्हाई आर वी गोइंग देयर, कि सो दैट व्हेन दे रीच एडल्टहुड उनके जहन को सोचने की इंस्टेड ऑफ ब्लाइंडली फॉलोइंग एक्स वाई जेड लीडर. उस एज से आजकल बच्चे बहुत ज़हीन हैं, दे क्वेश्चन एवरीथिंग, हर बात पे उनको होता है. तो अगर वो पॉसिबल हो, उनके लॉ जब आप बनाएंगे कि एडल्ट्स को मना करना है इधर ना जाए उधर, तो मुश्किल हो जाएगा. सो एज वेरी स्मॉल चिल्ड्रन इफ दिस कैन बी इनकॉर्पोरेटेड, आंटी भी काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है, शी कैन इन्फ्लुएंस देम कि उर्दू की किताब में ये बस एक कहानी के तौर पे और बीच में सबलिमिनल मैसेज आ जाए. मेरा बड़ी अच्छी बात आपने की, मैं इसमें एक और प्रपोजल देता हूँ. बिकॉज यू सी अगेन जो आप बात कह रही हैं उसमें एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है. आप मुझे कहें सिवाय इसके कि मैं एक सुस्त निकम्मा आदमी हूँ, मैं कर नहीं सकूँगा, लेकिन अगर करूँ तो मैं अपनी मर्जी से करूँगा. आप पाकिस्तान की सतह पर कहेंगी तो लाजिमन रिप्रजेंटेटिव आएंगे हर लेवल के. आई नो दैट, आई थिंक इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ये नेचुरल बात है. कोई शिया है, कोई बरेलवी है, कोई देवबंदी है, कोई अहले हदीस है, कोई मेरी तरह का आज़ाद मनुष्य है, दिस इज़ द रियलिटी. मैं ही कहता हूँ कि अगर ये आप कर लें ज़रूर करें, खुदा के वास्ते इसको सियासत ना बनाएं, इसको दयानदारी से करें. कैसे? मसलन लेट्स फेस इट, कमेटी आपने बनाई, उसमें लेट्स से मेजॉरिटी मेंबर्स, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, शियाओं की है, 6 शिया हैं, 4 सुन्नी हैं, गुफ्तगू हो, नो प्रॉब्लम, आराम से गुफ्तगू हो, किताब लिखें और उसमें कॉमन वर्जन बहुत है दीन का. ये प्रोपेगेंडा है कि हम बहुत ज़्यादा इख्तलाफ करते हैं, अक्सर चीज़ें कॉमन हैं, वो डालें, शिया पॉइंट ऑफ व्यू डालें. ये खुदा का हुक्म है कि प्रैक्टिकल मामला में क्या हुक्म है. एक हुक्म तौहीद है, वो मेरी अंडरस्टैंडिंग है. यू सी लेट्स फेस इट, मैंने आज जो बयान किया मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कोई दूसरा स्पीकर आके कहेगा कि ये बात ही गलत कर रहे थे, ये कुरान कह ही नहीं रहा, तो उनका भी राइट है ना, उन्होंने भी समझा है. मैं ये कहता हूं कि अल्लाह का हुक्म है कि जब कोई इज्तमाई मामला हो तो अमरहुम शुरा बैनहुम, आपस के मशवरे से तय करें, मशवरे में यूनानिमिटी आ जाए तो बात मान लें, डिसएग्रीमेंट हो जाए तो मेजॉरिटी की बात मान लें, उनका वर्जन लिखें, मगर फुट नोट में लिखें ये एक और पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ लोग वाप वाली बात कुरान की इन आयात से ये भी समझते हैं, बस वो मसला हल हो जाएगा. आई वुड लव इट. आप यकीन जाने मैं दिल की गहराई से कह रहा हूं कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू टेक्स्ट बुक्स में आए मैं नहीं चाहता, इसलिए कि ये धांधली होगी, खुदा ताला इस तरह से नहीं चाहता. आई नो फॉर अ रियलिटी कि इख्तलाफ है, उस इख्तलाफ को हमारे बच्चों के सामने आना चाहिए. धांधली जो हम करते हैं वो ये करते हैं, और ये पता नहीं क्या चक्कर है, कहाँ से हम इतने बेईमान हो गए हैं कि मेरी बात सुनो, खबरदार किसी और की बात सुनो, ये क्या बदतमीजी है. प्लीज औरों की बात सुने, और जो आपको ज़्यादा सही लगे वो आप माने, और जिनकी बात सुने उनको भी कहें कि सर चीखे नहीं यार, प्लीज डोंट शाउट, बात करें. और आपने बात ही कर दी है तो मैं ये बात भी कर दूँ, अगर चूँकि कोई मेरे को इतनी कोई मजबूत सोच नहीं है, मेरी कुछ कतराती है तबीयत, जो ना कहानियाँ, आई नो कहानियाँ आर अट्रैक्टिव, कहानियों से सारी खराबी पैदा होती है. ओ जनाब गया तो बादशाह ने कहा ये कर दो, तो उन्होंने कहा जी कि एंड हो गया. ओके बाद वो इतने फैसिनेट होते हैं. मुझे हर वो प्रेजेंटेशन रिलीजन की पसंद नहीं है कि जिसके नतीजे में बंदे को कुरान बोरिंग लगने लगे. आप यकीन जाने इससे टेस्ट ख़राब हो जाते हैं. कहानियाँ कहते हैं वो सर वो कहानी तो सुना. मुझे बहुत से लोग मेरे स्टूडेंट कहते हैं जो मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, सर आपने हदीसें बयान नहीं की, आप कुरान ही कुरान करते हैं. हालांकि मैं हदीस बयान करता हूँ, लेकिन जाहिर है उसका एक ख़ास तरीका होता है. सो हमारा टेस्ट भी बिगड़ा हुआ है. सो इस सोल्यूशन को करें मैडम, आप अगर कर सकती हैं कमेटी बनाएं, मगर उसको पाबंद करें. जैसे हमारे वर्डिक्ट्स में होता है भाई, सुप्रीम कोर्ट की अगर 5 रुकनी कमेटी है तो एक वर्डिक्ट है, 3 ने दिया, बाकी का भी ओपिनियन होता है. तो ये जब बच्चों के सामने आएगा तो वो आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी कि समझदार लोग कहेंगे यार ये कुरान तो वाकई फुट नोट वाला है, टेक्स्ट में जो है वो तो हम नहीं मानते. जी आप किसकी बारी है?
where do you draw the line for shirk? एक बात और दूसरा blasphemy is another thing that really bothers me because from my understanding of the Quran there is no such thing as blasphemy जो जिसके laws भी हैं हमारे so these are two areas that जी पहले मैं दूसरी बात देता हूँ उसको मैं इतना खींचूंगा कि पहली बात आप भी भूल जाएंगी मैं तो भूल ही जाऊंगा आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू आई एब्सोल्युटली एग्री विद योर मेंशन के कोई ब्लैस्फेमी लॉ नहीं है कुछ भी नहीं है बल्कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ब्लैस्फेमी लॉ अगर जिस तरह से लोग प्रपोज करें आप कोई बदतमीजी बहुत ज़्यादा करें उसको कोई फाइन कर दें कोई दो तीन महीने के लिए जेल में डाल दें वो एक अलग चीज़ है क्या तो बंदे मारने की बात होती ना उससे कब तक बात नहीं होती हरगिज नहीं है जो मैं बात कहता हूँ वो ये कि ऑन द कॉन्ट्ररी ये काउंटर प्रोडक्टिव है वजह क्या है वजह ये है कि आपके पास वो पैगाम है जो सारी दुनिया के इंसानों के लिए सारी दुनिया के इंसान आपकी बात अभी नहीं मानते 77-78% लोग मुसलमान नहीं हैं उनको अगर आप ये पाबंद करेंगे कि हमारे मज़हबी टेक्स्ट और हमारी जो रेवर्ड पर्सनैलिटीज़ हैं उनको आप रिस्पेक्ट दें तो असल में आप ये कह रहे हैं कि जी हमारा आपका कोई डायलॉग नहीं हो सकता यानी मतलब कि हम आपको दावत पेश नहीं कर सकते आप हमारी बात को तमीज़ से सुनेंगे तो ये इंसान ऐसा नहीं है इंसान सवाल करता है इंसान क्रिटिसाइज़ करता है वो आपसे डिफरेंट है उन्हें पिक्चर ही कुछ और नज़र आई है उनको हमें समझाना है एक बात और दूसरी वजह जो ये तो मैंने आपके एक तरह से लॉजिकल फिलोसॉफिकल बात की कुरान आप अगर पढ़ेंगे तो जगह जगह कुफार की ब्लैस्फीमिक स्टेटमेंट्स आपको मिलेंगी सूरह स्वाद सूरह नंबर 38 आयत नंबर 4 में मिसाल के तौर पर जस्ट गिविंग वन एग्जांपल साहिरुन कज़ाब ये कुफार की स्टेटमेंट बयान हुई है जादूगर झूठा इसकी आप तिलावत करते हैं अच्छा बात यह है कि इसका इस पर अल्लाह ताला ने तबसरा भी कोई नहीं किया बस ऐसे कैसे कह दिया क्या बेवकूफ लोग हैं सो अगर अल्लाह ताला इतने कंसर्न्ड होते तो इस तरह की आयात जगह जगह बयान ना करते तो असल में प्रॉब्लम यह है कि मुसलमान कुरान पढ़ता ही नहीं है इसलिए उसने तकरीरें सुनी हुई हैं अकीदत पर मबनी और ज़रा सी उसके उसको ठेस पहुंचती है तो वो मुश्तिल हो जाता है तो ये तो दूसरे सवाल का जवाब था एज प्रॉमिस्ड द फर्स्ट वन आई हैव फॉरगॉटन एंड यू टू हाँ चलो अच्छा शेर शेर की ड्रॉ लाइन कहाँ ड्रॉ करें शिर्क अगर ये है ना शिर्क अगर ये है बहुत नीचे ड्रॉ करें इसलिए कि जितना ज़्यादा अजीज़ है कोई चीज़ आपको उतना ज़्यादा आप उसके लिए एहतियात करेंगे मतलब लाइन ड्रॉ करने की कहाँ ज़रूरत पेश आएगी मेरा ख्याल है जस्ट टू गिव इट्स क्लियर पर्सपेक्टिव मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा पेश आएगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले कोई उनसे तो बड़ा नहीं है ना इंसानों में तो आपने खुद वाजे कर दिया एक साहिब ने ये आपकी बात पर फरमाया कि माशाअल्लाहु वमा शेता जो अल्लाह चाहे जो आप चाहे आपका चेहरा अनवर सुर्ख हो गया उससे आपने फरमाया कि अजालतनी लिल्लाही निदन क्या तुम मुझे अल्लाह के मद्दे मुकाबल कर रहे हो सिर्फ कहो माशाल्लाह तो बात यह है कि ज़रूरत क्या है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हादी हमारे रहनुमा हमारे गाइड हमारे आइडियल एंड देयरफॉर हमारी मोहब्बत का मरकज़ है लेकिन
अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु, अल्लाह के बंदे हैं। तो बाकी तो फिर कंपेयर ही है, तो शिर्क कहाँ आ गया? व्हाई इज इट नीडेड? हमने अल्लाह के पैगंबर के बताए हुए दीन के मुताबिक तौहीदे खालिस पर अमल करना है। कितनी बड़ी ट्रेजिडी। और लेट मी से दैट कि ये कम अज़ कम हमारे सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान में तो है, हो सकता है आप इसे डिसग्री करें, मैं वो लाइन ड्रॉ करने वाले बाद ओ जी जनाब मैं मदीने जा रहे हैं, हुजूर दा बुलावा है। व्हाट डू यू मीन? मतलब हुजूर बुलावा देंगे? अल्लाह बुलावा देगा? मगरिब कहते नहीं है तो है, मतलब इसमें क्या हरज है? हरज का क्या मतलब है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये सिखाया है, हुजूर को ये बात मालूम होती, ये तयशुदा बात है कि आप गुस्से होके कहते हैं कि मैं तुम्हें ये दीन दे के गया हूँ कि तुम मेरे बारे में कह रहे हो कि मैं लोगों को बुलाता हूँ। बुलाता है सिर्फ अल्लाह। तो अब ये क्या है? यू नो ये वही बात है जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं। जब लोग मस्जिद से, मेंबर से, दीनी शख्सियात जो नमाजें पढ़ती हैं उनकी जबानी ये सुनेंगे तो यार ये बात ठीक ही होगी, और कुरान पढ़ेंगे नहीं तो वही वाली बात कि जहां भी इख्तलाफ है कुरान डाल दें, फुटनोट में ही डालें। इसलिए कि मैं कुरानी की रोशनी में कहता हूं कि ये धांधली ना करें कि एक भाई साहब आ गए हैं हुक्मरान जो बड़े तौहीद पसंद हैं, जैसे सऊदी अरेबिया में आए थे अब्दुल्ला इब्न अब्दुल वहाब साहब, उनके बाज बातों से इत्तेफाक के बावजूद वो क्या स्ट्रेटजी थी यार, क्या स्ट्रेटजी थी? एक बिल्कुल वक्त ही आपने काम कर दिया, बुलडोजर चला दिए। दैट वॉज नॉट द राइट स्ट्रेटजी। आपको पॉपुलेशन के जो ख्यालात हैं उनको सामने रख के खुदा के दीन के मुताबिक ग्रेजुअली तदरीज के साथ बात को पर पहुंचाना है, यही आपकी जिम्मेदारी। आपकी जिम्मेदारी कोई तौहीद को आखिरी हद की कायम करना नहीं है, वो खुदा का फैसला है। आपकी जिम्मेदारी तौहीद को बयान करना है, और अगर आपको इख्तियार मिलता है तो उस इख्तियार को इस्तेमाल करें सही स्ट्रेटजी के साथ इम्प्लीमेंट करने की। ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस और उसके ख्वाब देखना, यही तो है कि जो हमारे वो इस्लामिक इनकलाब ला रहा है, कोई जिहाद कर रहा है। बात यह है आपने दुनिया पर गालिब होना है, मेरा भी यही ख्वाब है, लेकिन दिलों पर होना है, दावत देके होना है, बात सुनकर होना है, बर्दाश्त करके होना है, दुआएं करके होना है, नफरत फैला के नहीं होना। तो बिल्कुल ही उल्टी गंगा वो चल रही है, और उसमें भी मैं क्या कर सकता हूँ सिवाय इसके गुफ्तगू ही करे। जी खत्म हो गया जी, मेरा ख्याल है कि हम 25 मिनट ऊपर जा चुके हैं। जी इरशाद डॉक्टर साहब, मैं हम लोग किस तरह अवॉइड करें, मतलब ना करके? मैं आपको बताती हूँ, 25 साल पहले जब मैं पाकिस्तान आई, मैंने कहा कभी किसी को रिश्वत नहीं दूंगी, कभी ये काम नहीं करूंगी, गलत नहीं करूंगी। लेकिन आते ही मुझे लाइसेंस चाहिए था, आई हैव टू ड्राइव द कार। मैं कोई 36 बार गई होंगी उधर, वो आदमी को दिए भी पैसे, सब कुछ किया, उसने कहा जी, मेरे ड्राइवर ने कहा बाजी आप मुझे 500 रुपए दे, मैं आपका लाइसेंस अभी नहीं करता। मैंने कहा तो रिश्वत नहीं देते, मैं नहीं ये रिश्वत दे रही, मुझे घर जाना है वापस। लेकिन डॉक्टर साहब मैं मजबूर हो के मैंने इस वक्त जैसे मैं मेरी कोई प्रॉपर्टी है और मैं उसको कमर्शलाइज कराना चाह रही हूँ, LDA ने पूरी फीस ले ली मुझसे, वो कह रहे हैं जी अंडर द टेबल आप दें तो आपकी फाइल हम खोलेंगे, आपने ना रिश्वत देनी है ना रिश्वत लेनी है, मगर पहले ये समझ लें रिश्वत है क्या। एक ही बड़ी मसला होता है, लोग बाल बड़े दिलेर होते हैं अगर रिश्वत नहीं लेनी, नहीं देनी, नहीं देनी तो फिर वाकई आप कैसे जी सकते हैं? क्या खुदा ताला ने कोई इतनी सख्त बात की है? कुरान मजीद से मालूम होता है कि रिश्वत उस लालच देने को कहते हैं जो आप हुक्काम को दें कोई गलत काम कराने के लिए। अगर काम आपका जायज़ है और कोई आपसे पैसे मांग रहा है, वो रिश्वत ले रहा है, आप रिश्वत दे नहीं रहे, हाँ अगर उसमें आपने जो करवा रहे हैं अपने राइट से ज़्यादा मांगा तो फिर वो रिश्वत है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पैसे दे के काम करवाएं, ये कोई बहुत आला बात है, लेकिन इसको कोई और नाम दें, इसको रिश्वत ना कहें। इसलिए कि ये भी एक बहुत बड़ी हमारे माशरे में ट्रेजिडी हुई है कि ये तो सबने जान लिया कि रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नुम में जाएंगे, और रिश्वत तो हम दे रहे हैं तो ठीक है जहन्नुम ही तो हो गया, अब चलो यार और भी काम कर लेते हैं। नहीं मतलब आम सी चीज़ें,
हर वक्त लोग आपके दरवाजों पे खड़े होते हैं। मैं गुजारिश खत्म नहीं की, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप नहीं, बात यह है कि आप क्लियर हो जाएं कि हमें रिश्वत लेने वालों को भी ख़त्म करना है, लेकिन इस वक्त मैंने जो काम किया है ये बहुत आला काम नहीं है, मगर ये वो नहीं है कि जिसके बारे में जहन्नुम की वईद सुनाई गई है। इसलिए कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना दी है तो फिर सुना दी है, फिर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो असल में बात ही कुछ और है, वो उसी बात से जुड़ी हुई है जो हमारा आज पहला नुक्ता था। ये इंसाफ के ख़िलाफ़ चीज़ है कि बारी किसी और की है और आपने पैसे दे के अपनी बारी पहले कर ली। जब हम ये करेंगे तो हम नहायत घिनौना काम करेंगे। बात यह है कि आप वो, मैं कुछ अरसे मुल्क से बाहर रहा, कुछ 4 साल तो वापस आया, तो यू नो मैं अपने बेटे को ले गया, वो छोटा था, एक कोई मैच देखने के लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम में, तो क्यू लगी हुई थी यू नो, तो एक मनचला पीछे से आया और ऊपर करके रस्सी को आगे खड़ा हो गया। मैंने प्रोटेस्ट किया, शोर मचाया, मैंने ये क्या बदतमीजी, ये क्या। उसने पीछे मुड़ के देखा, सर इस तरह ही है जनाब, व्हाट इज दिस। तो ये हमारे यहाँ आदत बन गई है, मतलब ये इसको प्रोटेस्ट करना चाहिए। बाकी जाहिर है कि वो जो है बाज़ूकात मजबूरी होती है, आपके वालदैन बूढ़े हैं, सख्त गर्मी का मौसम है, घर में बिजली नहीं है, और वो कोई बेवकूफ़ कोई क्लर्क जो है वो 5,000 रुपये मांग रहा है, आप कहने नहीं मैं तो रिश्वत नहीं देनी, यार मतलब आप मजबूरन आप ये करते हैं, आप रिश्वत नहीं दे रहे, आप उसकी शिकायत करें, वो वाला जिहाद करें, लेकिन बी प्रैक्टिकल। कॉमन हो गया, कोई शुभ नहीं, कोई शुभ साफ सुथरी जिंदगी गुजारने के लिए एक कमरे में बंद हो जाए नहीं, अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बहुत से सहरा बनाए हैं बड़े बड़े, उनमें से किसी में चले जाओ जी, इंशाल्लाह शाम को मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम।